आज पेशे खिदमत है तुर्की के 11 दिन के टूर की तफसीलात। इस ट्रिप में मैंने तुर्की के 4 शहर जिनमें इस्तांबुल, अंताल्या, सोगत, डेनिसली पामों के लिए विजिट किए, जिस पर मेरा कुल मिलाकर तकरीबन 2,20,000 रुपया खर्चा आया। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा मैंने इस ट्रिप में ट्रांसपोर्ट कैसे और कौन कौन सी इस्तेमाल की, किस होटल में रुका और कितने पैसे अदा किए और कहाँ से क्या खाया। तो कॉपी पेंसिल पकड़ लें और तुर्की का ट्रिप प्लान कर लें। टर्की की सैर के लिए आपका सबसे बड़ा खर्च हवाई जहाज़ की टिकट है। टिकट के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, जिनमें PIA, टर्किश एयरलाइंस और तुर्की की ही पिगासिस एयरलाइंस सर फहरिस्त हैं। ये तीनों एयरलाइंस आपको डायरेक्ट इस्तांबुल तक की फ़्लाइट की सहूलत देती हैं। इसके अलावा कतर, एमिरेट्स, इतिहार की ट्रांजिट फ़्लाइट भी मौजूद हैं। और अगर आप सस्ती टिकट लेना चाहते हैं तो सऊदी और ओमान एयरलाइंस का इंतखाब कर सकते हैं। मैं 80,000 रुपये में टर्किश एयरलाइंस की रिटर्न टिकट खरीद कर गया था। हम चाह रहे हैं कि हम बहुत सस्ते में पहुंच जाएं अपने होटल, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हमें टैक्सियाँ लेनी पड़े। अच्छा। और हम बस से पहुँचे। अच्छा, शुक्र है आपने पैदल नहीं कह दिया सस्ते में। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अब्रॉड जाते हैं तो सबसे पहले जाके सिम खरीदते हैं, क्योंकि आपके घर वाले भी वेट कर रहे होते हैं कि आप उनको अपना लैंडेड सेफली का मैसेज भेज दें। तो अभी हम तुर्कसेल पे आए हैं। यहाँ पे मिनिमम जो सिम है वो 220 लीरा की है, जो कि तकरीबन 6,000 के करीब बनता है पाकिस्तानी, और इसमें 25 GB डाटा आपको मिल जाता है, जो कि आपके टूर के लिए मोर देन इनफ होता है। तुर्की जाने के लिए सबसे पहले वीज़ा लगवाने की ज़रूरत है, तो चलें पहले देखते हैं कि वीज़ा लगवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसका क्या प्रोसेस है। अगर आप तुर्की का वीज़ा लगवाना चाहते हैं और आप जॉब करते हैं तो ये कागजात तैयार कर लें। अगर शादीशुदा हैं तो MRC, और अगर गैर शादीशुदा हैं तो FRC लेटर, एम्प्लॉयर की तरफ से NOC लेटर और 6 माह की सैलरी स्लिप्स, पोलियो सर्टिफिकेट, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो आप खुद भी कर सकते हैं और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, या आप जेरी के ऑफिस से भी करा सकते हैं, 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट जिसकी मियाद ख़त्म होने में कम से कम 6 माह अभी बाकी हों, टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट जो कि आप FBR की वेबसाइट से ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, और आखिर में कोविड टेस्ट जो आपकी फ़्लाइट से 96 आवर पहले के दौरानिए में कराया गया हो। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, सबसे पहले आपको कंपनी लेटर हेड जिस पर आप अपना बिज़नेस का तारुफ करवाएंगे और अपने विज़िट की रीज़न बताएंगे। बिजनेसमैन के लिए आपको NOC लेटर और 6 माह की सैलरी स्लिप्स की ज़रूरत नहीं, जबकि बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स सेम हैं। ये तमाम कागजात जमा करें, तुर्की की ऑफिशियल वेबसाइट से वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करें और फिल करें, जेरीज़ में कॉल करके अपॉइंटमेंट लें और फाइल जमा करवा दें। जेरी आपसे टोटल 14,600 रुपये फ़ीस लेगा और 14 वर्किंग डेज़ में आपका इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। लें जनाब, ये मैंने आपकी पहली 8 से 10,000 रुपये की बचत करवा दी है। लोकल जाने का तरीका है वो ये है कि हवा बस चलती है, ये पीछे आप देख रहे हैं इस बस को, ये आपसे 25 लीरा पर पर्सन चार्ज करती है, जो कि आपको तकसीम स्क्वायर तक लेके जाती है, अस्कराए और इसमें जितने भी फेमस एरियाज हैं आपको वहाँ पे ड्रॉप करती है। आपकी जो टैक्सी है वो आपसे चार्ज करती है फतेह जाने के 150-160 लीरा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने बेसमेंट में जाना है, बेसमेंट में आपको ये बस मिल जाएगी, बेसमेंट में आपको जाने के लिए मिलती है और ड्रॉप आपको ये फर्स्ट फ्लोर पे करते हैं। तो आपका जो 150 लीरे वाला काम है वो 25 लीरे में हो जाता है, तो मैंने आपके 125 लीरे बचा दिए हैं। तो अब आप इसी खुशी में मुझे सब्सक्राइब कर दें, और अगर ज़्यादा मोहब्बत चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझे इजी लोड करवा दें। मेरे ख्याल में इस्तांबुल में ठहरने के लिए आपके पास 3 से 4 अच्छी ऑप्शंस हैं, जिनमें सुल्तान अहमद, टैक्सिम स्क्वायर, एमिनोनो और गलाटा शामिल हैं। इन तीनों मकामात से इस्तांबुल की तकरीबन तमाम बड़ी लोकेशंस वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, और जितनी भी टर्किश फेमस कज़ीन्स हैं वो भी आपको ईजीली मिल जाती हैं, और वहाँ जाने के लिए इन्हीं इलाकों से पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल भी जाती है। होटल बुकिंग के लिए मैं 3 मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें ट्रिप एडवाइज़र,
booking.com और trip.com शामिल हैं। कोई भी ट्रिप पैकेज या रूम बुकिंग से पहले आप इन तीनों वेबसाइट्स को विज़िट कर लें, लेकिन याद रखें इंटरनेशनल ट्रैवल में क्रेडिट कार्ड का होना बेहद ज़रूरी है। हमने पहले ही सुल्तान अहमद के इलाके में स्टैनपोली होटल की बुकिंग करवा रखी थी, जिसकी एक रात का किराया पाकिस्तानी 4200 रुपये के करीब बनता है, जिसमें दो अफराद का नाश्ता भी शामिल है। बड़ा कूजी सा और ब्राइट सा है, और ये अब्दुलरहमान साहब मास्क उतार के अपने जिंदगी में आए और सांस लेना बड़ा आसान हो गया। हाँ, ये कानों से आवाज सांस लेते हैं, उल्टा लगाओ सीधे हो जाएंगे। रूम इज वेरी गुड, कॉम्पैक्ट है लेकिन बड़ा अच्छा है, मजे का है। दो घंटे का रेस्ट कर लिया है और फ्रेश हो गए हैं, देखें हम चिट्टे गोरे लग रहे हैं, चमक गए हैं। तुर्की ट्रिप में मैंने 11 में से 5 दिन इस्तांबुल में गुजारे, और इन 5 दिनों में विजिट किया आया सोफिया, प्रिंसेस आइलैंड, ग्रैंड बाजार, बास्फोरस क्रूज, टॉक्सिन स्क्वायर, ग्लाटा टावर, अयूब सुल्तान और तोपकपी पैलेस, जबकि पीरे लोती और ब्लू मॉस्क भी विजिट किया, लेकिन अभी उनके एपिसोड आना बाकी हैं। इसके अलावा इस्तांबुल में आवारागर्दी का निज़ाम ऑन रखते हुए एमिनोनो, अरास्ता बाज़ार, मेडियन टावर, इजिप्शियन स्पाइस बाज़ार में भी एंट्री मारी और खाए तुर्की के मशहूर खाने। तो आज पेशे खिदमत है तुर्की के 11 दिन के टूर की तफसीलात। टर्किश एयरलाइन के नाश्ते ने काफ़ी मायूस किया था, इसलिए आवारागर्दी का निज़ाम खाने के बाद ही किया जाएगा। What do you want to eat? Anything special. Anything special. We have Turkish regular kebabs, okay. Turkish pizza, some regular Turkish kebabs. Okay. Some pita also, tasty kebabs, beyti, Ortaklar special, İskender, döner. There are so special. İskender kebab. Do you have İskender kebab? Yeah, we have. Abdüste İskender kaldı mı? Yes, we have. Okay, done. Yeah. Asab order kya kya diya aapne? Ek adana kebab hai. और एक सिकंदर के बाद। और आपके लिए? नहीं, मैंने खाना जी भाई। खाना हम लोगों ने खा लिया था, और दोपहर का हमने लंच किया ब्रीफ सा, लेकिन ये है कि जितना हम चले हैं लंच में निकल गया और सुबह वाला नाश्ता भी गायब हो गया। हाँ तो ठीक है, 3 किलोमीटर ही कहा था मैंने, 3 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर आज हम चले हैं। मेरी ऐप ने मुझे बता दिया कि अगले 3 दिन तुमने चलना नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट 3 दिन क्या होता है। आज हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, रात को भी निकले वजह बगैर सोए हमने आज सारा दिन भी अटेंड किया है, इस्तांबुल के बाज़ारों को देखा है। तो इंशाल्लाह आज का डे यहीं पे एंड होता है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, सी यू। रिपन ट्रिप की डिस्कवर तुर्की सीरीज़ का आज हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, और हमारी मंजिल है प्रिंसेस आइलैंड। प्रिंसेस आइलैंड जाने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप कोई टूर पैकेज ले लें, और दूसरा आप इस टूर को ख़ुद भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप कोई टूर पैकेज लेते हैं तो ये आपका स्टार्ट होगा 20 से 45 यूरो के दरमियान, जो कि पाकिस्तानी 4,500 से 8,500 के दरमियान बनता है। इस पैकेज में आपको होटल से पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, आपको फेरी का जो फेयर है वो भी इसमें शामिल है,
आपको लंच या डिनर जो भी आप टाइम लें वो शामिल होगा, और इसके अलावा गाइड की सहूलत भी मौजूद होगी जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा ट्रिप के बारे में। प्रिंसेस आइलैंड अगर आप ख़ुद प्लान करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इस्तांबुल के किसी भी इलाके में हैं, आप T1 ट्रैम पर बैठें और काबातश और या एमिनोनो उतर जाएं। काबातश और एमिनोनो से आपको प्रिंसेस आइलैंड की फेरी मिल जाएगी। यहाँ से प्रिंसेस आइलैंड जाने का रिटर्न आपको टिकट मिलेगा 8 यूरो में। आप खुद से चले जाएं, 1.5 घंटे का ये सफ़र है, खुद से इसको एक्सप्लोर करें और अपनी गिवन टाइमिंग में और अपने स्केड्यूल के मुताबिक खुद भी वापस आ सकते हैं। वैसे तो ये मेरे ट्रिप का दूसरा दिन था, लेकिन तुर्की की सैर का ये मेरा पहला दिन था। इस दिन मैंने प्रिंसेस आइलैंड, ग्रैंड बाज़ार और एमिनोनो की सैर की। अच्छा जी, काबातश एरिया है जहाँ पे क्रूज़ भी यहीं से स्टार्ट होते हैं, और पहले मेरा ख्याल था कि ये एमिनोनो से जाएगी, एमिनोनो से भी फेरी चलती हैं प्रिंसेस आइलैंड के लिए। हम लोग काबातश पहुँचे हैं और हमने ये खुद से प्राइवेट नहीं बना रहे, टूर ऑपरेटर से ही हमने ये पैकेज लिया है। 20 यूरो से लेकर 45 यूरो तक का ये पैकेज है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी ले लें। हमने 25 यूरो वाला लिया है, 25 यूरो वाला हमने पैकेज लिया है। तो यहाँ पे वो टिकट परचेज़ करें, सामने टिकट ऑफिस है, काबातश का ये एरिया है, यहाँ से आपके प्रिंसेस आइलैंड चलते हैं और क्रूज़ बॉस्फोरस क्रूज़ की राइड भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और ये तकसीम से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है। आसमानी, नीले और गहरे नीले रंग के पानी में चलती हुई फेरी ने अलग ही निज़ाम कायम कर दिया है। ये देखें व्यूअर्स, ये सेकंड एपिसोड के लिए जालसाजी कर रहे हैं, बट सब शर्ट चेंज करके बताएंगे कि मैं दूसरे एपिसोड के लिए स्पेशल आया हूँ, लेकिन हमने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया है। भाई अभी हमने खाना भी खाना है, आपको जो प्रिंसेस आइलैंड की इंटीरियर सिटी है वो भी दिखानी है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड। ये सारा प्रिंसेस आइलैंड ही ऐसे है जैसे हाथ से बनाया गया, वैसे हाथ से बनाया गया, लेकिन एक एक जगह, एक एक इंच जो है वो एस्थेटिकली इतना ज़बरदस्त बना है, खूबसूरत जगह है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ लोगों ने जो यहाँ पे डेवलपमेंट किया है वो भी देखने वाली है। छोटे छोटे कॉम्पैक्ट से इनके पास प्लेसेस हैं, लेकिन हर बंदे ने उसको बहुत ही अच्छा सजाया है। इतने प्यारे प्यारे घर हैं और उनके कलर कॉम्बिनेशन इतने वाइब्रेंट रखे गए हैं और ज़बरदस्त है। अच्छा जी, हमने ये डिसाइड किया है कि 2 प्लेटर ले लेते हैं और आधे आधे खा लेंगे, लेकिन अगर मेरा मज़ेदार निकला है तो मैंने कोई नहीं देना। इसमें एज़ यूजुअल इनकी एक बड़ी सी हरी मिर्च है, साथ लेटस है और प्याज है, और साथ में पिलास मतलब चावल, और साथ चिकन के 2 बड़े बड़े पीस हैं। वेरी गुड। और यहाँ पर है जी टर्किश डोनर प्लेटर है, इसमें ये चिकन है, चिकन डोनर लिया इन्होंने टर्किश का, साथ चिप्स है और वो पीछे टमाटर छुपा हुआ है बच के। अच्छा जी, तो स्टार्ट हम ले रहे हैं। प्रिंसेस आइलैंड का सफ़र हमारा एमिनोनो पे आके ख़त्म हो गया। हम बैठे काबातश एरिया से थे और उतरे हम एमिनोनो में हैं। यहाँ से सुलेमानिया मॉस्क और ग्रैंड बाज़ार बिल्कुल करीब है, और प्रिंसेस आइलैंड का जो तजुर्बा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फैंटास्टिक वन था। और बहुत प्रिंसेस आइलैंड से वापसी पर मैं एमिनोनो उतर गया था क्योंकि मैं ग्रैंड बाज़ार जाने का प्रोग्राम बनाया था। एमिनोनो से घूमता घुमाता मैं ग्रैंड बाज़ार जा पहुँचा और दिन का एंड मैंने नुसरत स्टेक हाउस के बर्गर से किया। ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल के यूरोपी हिस्से में वाक़िया है।
आप सुल्तान अहमद से वॉक करते हुए यहाँ जा सकते हैं, और अगर एमिनोनो से आएँ तो भी 12 से 15 मिनट की वॉक करके आप ग्रैंड बाज़ार पहुँच सकते हैं। ग्रैंड बाज़ार दुनिया का पहला बाकायदा शॉपिंग मॉल है, जिसे तकरीबन 565 साल पहले तामीर किया गया। यहाँ 4000 से ज़ायद दुकानें, रोज़ाना के बुनियाद पर यहाँ 2.5 से 4 लाख लोग आते हैं। साल 2014 में यहाँ आने वाले लोगों की तादाद 9 करोड़ से ज़्यादा थी, जो आज तक किसी भी शॉपिंग मॉल में स्टेप इन करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए, गिफ्ट्स के लिए इतनी को वैरायटी है कि अगर बंदा आप अपनी बेगम के साथ आकर आएंगे तो फंस जाएंगे, तो लिहाजा अकेले आए मेरी तरफ। और फाइनली हम पहुंच गए हैं इस भाई के पास। इनकी हम अक्सर मीट कटिंग की वीडियोस देखते हैं, तो ये नुसरत स्टेक हाउस के हैं और यहाँ पे इनके जगह जगह पे पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो चल के देखते हैं आज हमें ये कैसे पीक के दिखाते हैं नमक। ये ऐसे करके नमक डालते हैं और जब आप बिल पे करते हैं तो फिर आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि एग ही हो गया। ऑर्डर हमने अपना दे दिया है और माशाल्लाह इस स्टेक हाउस के जो स्टार्टर हैं वो भी 500 टर्किश लेरा के हैं। तो वैसे हमें इतनी भूख नहीं थी इसलिए हमने अपना ज़रा नॉर्मल ऑर्डर दिया है। असल में ये स्टेक खाते हैं हाफ डन, और इनका जो वेल डन है ना हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, वो भी हाफ डन ही होती है। तो इसलिए फिर हमने स्टेक के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं किया, क्यों हमने इनका एक स्टेक बर्गर फेमस है बड़ा, लोकम बर्गर साथ मेडिटेरेनियन सैलड, वो हमने ऑर्डर किया है। हमने लोकम बर्गर लिया है, इसमें जो बीफ है उसको क्रश करके मिक्स किया जाता है डिफरेंट स्पाइसेस डाल के, बर्गर में ऊपर नीचे चीज़ लगाई जाती है, और सिंपली उसको, ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये सारा ग्रिल बर्गर है। तीसरा दिन मसरूफियात से भरपूर और थका देने वाला था, लेकिन था बहुत यादगार। इस दिन मैंने इस्तांबुल की तारीखी ब्लू मॉस्क, आया सोफिया मॉस्क, टॉपकपी म्यूज़ियम, सुलेमानिया मॉस्क और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का मकबरा देखा, और मौके का फ़ायदा उठाकर इस्तांबुल के मशहूर मीट बॉल्स पर भी हाथ साफ किया। ग्रिपन ट्रिप में आज हम जा रहे हैं आया सोफिया मस्जिद, जो इस्तांबुल के सुल्तान अहमद एरिया में वाक़ है। सुल्तान अहमद का एरिया इस्तांबुल का अहम तरीन इलाका है, क्योंकि यहाँ पर आया सोफिया के साथ ब्लू मॉस्क और तोपकपी पैलेस भी है,
इसके अलावा ग्रैंड बाज़ार और एमिनोनो का इलाका भी सुल्तान अहमद के बिल्कुल साथ है। सुल्तान अहमद जाने के लिए मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और यह आपको इस मस्जिद के बिल्कुल सामने ड्रॉप करती है, जबकि फेरी के ज़रिए एमिनोनो से पैदल चलकर भी सुल्तान अहमद पहुंचा जा सकता है। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो अस्कराय का स्टॉप आपको नज़दीक तरीन रहेगा। अगर आप इस्तंबुल आए हैं तो सुल्तान अहमद के एरिया में एक दो दिन ज़रूर गुजारें। मैं अभी स्टैनपोली होटल में रुका हुआ हूँ। यहाँ एक रात रुकने के $27 चार्जेस हैं और जिसमें हम दोनों लोगों का नाश्ता भी शामिल है। आया सोफिया के बाद इसके करीब ही तोपकपी पैलेस देखने चले गए। अगर आप इस्तांबुल के टूर पर आएँ तो एक या दो दिन सुल्तान अहमद एरिया में लाजमी रुकें, क्योंकि ज़्यादातर तारीखी मकामात इसी एरिया में हैं। डिस्कवर टर्की सीरीज़ की पिछली एपिसोड में हमने आया सोफिया मस्जिद का विज़िट किया था और आज हम लोग जा रहे हैं तोपकपी पैलेस। आया सोफिया के दाएँ हाथ अंदर जाने वाली सड़क सीधी तोपकपी जाती है। इसके अलावा अरास्ता बाज़ार से आने वाला रास्ता भी तोपकपी की तरफ जाता है। यहाँ वॉक करते हुए जाते हैं। तोपकपी पैलेस हम पहुंच गए हैं और तोपकपी की जो टिकट्स हैं ये 100 आप देख रहे हैं, ये 100 ले रहा है। हमारा ख्याल था कि 72 ले रहा होगी, लेकिन हमें टर्किश क्योंकि पढ़नी नहीं आती वो 70 ले रहा थी बच्चों की, तो मुझे तो मेरी मिल गई है 70 में, क्योंकि मैं 30 से नीचे हूँ। अब्दुलरहमान साहब को जो है वो 40 से ऊपर है, इसलिए 100 की मिली है। होली रैलिक्स के हिस्से में वीडियो बनाना सख्ती से मना है, वरना मैं लाजमी आपको अंबियाए कराम और सहाबा कराम के इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें दिखाता। तोपकपी पैलेस और आया सोफिया देखने के बाद हम लोग इस्तांबुल के मशहूर मीट बॉल्स खाने पहुँचे, जो आया सोफिया के करीब ही वाक़ है। सुभान अल्लाह। ओहो ले जी, ये हैं हमारे लैम शीश कबाब हैं और ये हमारे द फेमस मीट बॉल्स हैं और ये हमारा मेन्यू और ये एक ज़रूरतमंद। इन्होंने फास्ट चटनी दी है, वैसे तो ये देखने में आपको लाल लग रही है लेकिन ये इतनी होती नहीं है। ये कबाब के ऊपर हल्की सी मिर्चें लगी हुई हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया ये देखने में लाल है, ये इतनी कड़वी नहीं है और इसके साथ आपको खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। इतने टेंडर कबाब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाए, और इसके अंदर देखें वाकई कुछ भी नहीं है, कोई मसाला कोई प्याज कुछ भी नहीं आ रहा, ये कोई इनका इनको दुआ है किसी की। चौथे दिन मैंने सहाबी रसूल हज़रत अबू यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मज़ार की ज़ियारत, तकसीम स्क्वायर और इस्तकलाल एवेन्यू की सैर की। तकसीम स्क्वायर आने का फ़ायदा ये होता है कि पूरा इस्तांबुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आपकी पहुंच में आ जाता है। यहाँ ये बात नोट कर लें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा महंगी नहीं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इस्तांबुल कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड आप अपने होटल वाले से भी मंगवा सकते हैं या जगह जगह लगी मशीनों में 20 लीरे डालकर ख़ुद भी ख़रीद सकते हैं। एक स्टॉप से किसी भी दूसरे स्टॉप तक जाने के लिए आपको 2.5 लीरे अदा करने होंगे। आप ये कार्ड इन्हीं मशीनों से रिचार्ज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया दिन और नया एपिसोड, और आज हम रुके हुए हैं तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल करीब और जा रहे हैं अयूब सुल्तान, हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार शरीफ पे।
तकसीम स्क्वायर से अयूब सुल्तान जाने के लिए 555C मेट्रो बस पर बैठें और अयूब सुल्तान के स्टॉप पर उतर जाएं। ये बस आपको मज़ार शरीफ के सामने ही उतारेगी और इसके लिए आपका मेट्रो कार्ड का होना ज़रूरी है। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। हज़रत अबू यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ की मुकम्मल एपिसोड देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अयूब सुल्तान एरिया में शॉपिंग के लिए ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी और खाने के लिए बहुत शानदार टर्किश कज़ीन मौजूद है। इसके अलावा आपके दरबार से एक रास्ता पहाड़ की तरफ जाता है जहां से इस्तांबुल का सिटी व्यू होता है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मज़ार शरीफ से वापसी पर हम लोग इस्तांबुल के मशहूर टैक्सिम स्क्वायर देखने पहुंचे। इस्तांबुल शहर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यूरोप में जबकि दूसरा एशिया में वाक़िया है। ज़्यादातर तारीखी मकामात जैसे गलाटा टावर, सुल्तान अहमद, अयूब सुल्तान, ग्रैंड बाज़ार, ये सारे हिस्से इस्तांबुल के यूरोपी हिस्से में वाक़िया हैं जो कि कदीम इस्तांबुल भी कहलाता है। इस्तांबुल के दोनों हिस्सों में से गुजरने वाले समुंदर की एक छोटी सी लाइन है जिसे बॉस्फोरस कहा जाता है और यही लाइन यूरोप को एशिया से अलहदा करती है। इस्तांबुल के यूरोपी हिस्से में समुंदर एक तंग सी नाली बनकर गुजरता है और इस हिस्से की शक्ल एक बाजे की सी लगती है। इस बिना पर इसे गोल्डन हॉर्न कहा जाता है। तकसीम स्क्वायर से कई रास्ते शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और मैं जा रहा हूं इस्तकलाल एवेन्यू की तरफ। वैसे तो टैक्सिम स्क्वायर से ट्रैम और बस के ज़रिए एमिनोनो जा सकते हैं, लेकिन मैं इस्तकलाल से वॉक करता हुआ गलाटा टावर के करीब से गुजरूंगा और हेलिक ब्रिज जाऊंगा और कुछ देर वहां बैठकर रेस्ट करूंगा और फिर वहीं से पैदल हेलिक ब्रिज क्रॉस करके एमिनोनो चला जाऊंगा। ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर का सफ़र बनता है। वैसे आपको बताऊँ, इस्तांबुल पैदल फिर कर देखने वाला शहर है। यहाँ की हर गली हर मंज़र ही दिलचस्प है। टैक्सिम स्क्वायर इस्तकलाल एवेन्यू का निज़ाम चेक करने के बाद एमिनोनो से इस्तांबुल के मशहूर कबाब खाए। ये टिक्का वाकई डिजर्व करता है कि ये टॉप 10 में आए। हमने इस्तांबुल की तकरीबन सारे खाने खा लिए हैं जो फेमस हैं। ये वाकई डिजर्व करता है, बल्कि टॉप 5 में बनता है आना, और ये हाईली रिकमेंडेड है। एमिनोनो का ये इलाका है, आप गूगल से ईजीली आ सकते हैं। बस कर दे यार, तेरी मेहरबानी। एमिनोनो से खाने का निज़ाम करने के बाद वापसी फिर टैक्सिम स्क्वायर की तरफ ही है, और वैसे भी मेरा होटल टैक्सिम स्क्वायर में ही है। इस्तकलाल एवेन्यू की रौनकें रात को मज़ीद बढ़ जाती हैं। इस सड़क के दाएं बाएं वाली गलियों में डांस क्लब, शीशा कैफ़े और हर तरह के रेस्टोरेंट मौजूद हैं। अभी रात खाने का टाइम हो गया है और डिनर में भी तुर्की के रवायती खाने का ही प्लान शामिल है, तो आएं पहले आपको खाना खिलाऊं। पच्चीस टर्किश लीरे का पिद्दे ब्रेड और 28 लीरे का लहमा चून खाया। ये दोनों चीज़ें ही मुनफरिद थीं और पूरे तुर्की में ये फूड आइटम आपको हर जगह नज़र आती है।
पिज्जे ब्रेड लिया हमने चीज़ वाली, बड़ा ही बेहतरीन और खूबसूरत था इसका प्रोसेस बनाने का जो मैंने देखा है। और साथ हमने लिया लहमा चौंक, इसमें टमाटर प्याज धनिया और थोड़ा थोड़ा कीमा और साथ हल्की सी लैम की जो चर्बी होती है हल्की सी वो है। तुर्की के दौरे का पांचवा दिन तुर्की आने का सबसे बड़ा टारगेट पूरा करने का दिन था। मैं ज़ाती तौर पर इर्तुगुल गाजी का फ़ैन हूँ, इसलिए ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं तुर्की आता और इनके मज़ार पर हाज़िरी ना देता। पांचवा दिन सारे का सारा मैंने इर्तुगुल गाजी के लिए वक्फ कर रखा था। ग्रिपन ट्रिप का सफ़र दाखिल हो चुका है इर्तुगुल गाजी मर्द हक के शहर में और मैं इस वक्त थोड़ा थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ। और तुर्की सीरीज में मेरा सबसे हिट एपिसोड भी यही है, इस्तंबुल से सोगर जाने का तरीका, और इसकी सारी डिटेल्स मैंने अपने इस एपिसोड में दी हैं। आप चाहें तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये सारा एपिसोड देख भी सकते हैं। इर्तुगुल गाजी का मिसार सौत में वाक़ है, लिखने में ये लफ्ज़ सोगत है जबकि तुर्की वाले इस जी को साइलेंट करके सौत पढ़ते हैं। सौत शहर जाने के लिए आप पहले बिलेचिक जाएंगे जो इस्तंबुल से तकरीबन 210 किलोमीटर दूर है। बिलेचिक से मज़ीद आपको 20 किलोमीटर सफ़र तय करना होगा और आप पहुंच जाएंगे सौत शहर। सौत शहर पहुंचने की दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन वो जिसे मैंने इस्तेमाल किया है वो है प्राइवेट टैक्सी। ये इस भाई का नंबर है और उमर इनका नाम है। इनके पास 8 सीटर लग्जरी हाइस्ट वैन है और मैंने इनको सौत के इस ट्रिप का 1200 टर्किश लीरा अदा किया है। इसमें इन्होंने मुझे होटल से पिक किया था और मुझे वापस होटल ही छोड़ेंगे। दूसरी ऑप्शन लोकल सफ़र की है। आप इस्तंबुल के बस स्टेशन से 55 टर्किश लीरा की टिकट खरीदें और बस पर बैठकर बिलेचिक पहुंच जाएं। बिलेचिक से सौत जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी लेना होगी और आपका ये राउंड ट्रिप 300 से 400 टर्किश लीरा में मुकम्मल होगा। इस्तंबुल में 5 दिन गुजारने के बाद मेरी अगली मंजिल थी अंतालिया, जो इस्तंबुल से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। यहाँ ये बात काबिले ज़िक्र है कि तुर्की के अंदर सफ़र करना इंतहाई सस्ता है, चाहे बस हो या ट्रेन या हवाई जहाज़। पाकिस्तान के मुकाबले में किराया देखकर आप हैरान रह जाते हैं। इसी सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए मैंने वक्त और पैसा बचाने के लिए तुर्की की ही पेगासस एयरलाइन का टिकट ख़रीदा। ये टिकट मैंने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेगासस की वेबसाइट से ही ख़रीदा था। ग्रिपन ट्रिप की डिस्कवर टर्की सीरीज में इस्तंबुल में 4 दिन गुजारने के बाद आज हम ट्रैवल कर रहे हैं अंतालिया, जो तुर्की की मशहूर और बहुत ही मारूफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए टिकट परचेज किया है और टिकट हमें मिला है $22 का, जो कि बहुत सस्ता है। दिन ट्रैवल में ही गुजरा और अंतालिया पहुंचने तक शाम हो चुकी थी। आवाज बस ने हमें क्लेसी के एरिया में उतारा है और हम लोग आगे से 25 टर्किश लीरा की टैक्सी करा के होटल पहुंच गए हैं। $25 का होटल बुक किया है और इसमें हम दोनों का नाश्ता भी शामिल है। सातवां दिन भी अंतालिया में ही गुजरा। मेजर अट्रैक्शंस की बात करें तो कुनियालती बीच, यॉटलिमानी, अंतालिया एक्वेरियम, अपर और लोअर डुडन वाटरफॉल, मार्क अंटालिया, लैंड ऑफ लेजेंड्स और केबल काल की अट्रैक्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा हाइकिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए भी हैवी निज़ाम मौजूद है।
अंतालिया एक पुरसकून और नहायत खूबसूरत शहर है। दो दिन अंतालिया में गुजारने के बाद आठवें दिन मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं कोनिया जा सकता था या पामोकले। मुझे क्योंकि रोमन हिस्ट्री बहुत पसंद है इसलिए मैंने पामोकले जाने का फ़ैसला किया। ये दोनों शहर अंतालिया से बस के ज़रिए तकरीबन चार घंटे की मुसाफत पर थे। पामोकले में मैंने मेलरोज होटल का इंतखाब किया, मैं पहले भी यहाँ क़याम कर चुका था। ये मेरे टर्की ट्रिप का सबसे खूबसूरत और आरामदेह होटल था। यहाँ एक रात का किराया पाकिस्तानी 5,000 रुपये के करीब था, जिसमें हम दोनों का नाश्ता भी शामिल था। पामोकले की टूरिस्ट अट्रैक्शंस में कॉटन कैसल, रोमन थिएटर, क्लोपेत्रा पूल और लेक शामिल हैं। आप आसानी के साथ एक दिन में ये तमाम मकामात देख सकते हैं। अगर आप गाड़ी की बजाय पैदल ये मकामात देखें तो आपको मजमू तौर पर तकरीबन 7 किलोमीटर वॉक करनी होगी, इसलिए मैं आपको पैदल का ही मशवरा दूँगा। मैंने अपने होटल मैनेजर से कहकर ऑपरेटर की खिदमात हासिल कर ली थी, जिसने पाकिस्तानी 4,000 रुपया पर पर्सन मुआवजा वसूल किया। इसकी खिदमात में होटल से पिक एंड ड्रॉप, इंग्लिश बोलने वाला गाइड और लंच भी शामिल था। इसी दिन शाम को मेरी वापसी इस्तांबुल फ़्लाइट की थी। पामोकले के ये तमाम मकामात देखने के बाद मैं एयरपोर्ट रवाना हो गया। इस्तांबुल वापस आकर पाकिस्तान वापसी से पहले पूरा एक दिन बाकी था, तो सोचा क्यों ना रही सही कसर निकाल ली जाए। इस दिन मैंने इस्तांबुल की सबसे बुलंद और मशहूर इमारत गलाटा टावर का विज़िट किया। टक्सिम स्क्वायर से गलाटा टावर पैदल भी जाया जा सकता है। गलाटा टावर की सैर के बाद शाम को बॉस्फोरस क्रूज की सैर का प्रोग्राम था, इसलिए मैं होटल पहुंचा, मौके की मुनासबत से लिबास तब्दील किया और होटल मैनेजर से कह बॉस्फोरस क्रूज का ट्रिप बुक किया। बॉस्फोरस क्रूज ट्रिप 20 से 45 यूरो में आसानी मिल जाता है। मैंने ये ट्रिप अपने होटल वाले से कहकर बुक करवाया है, जिसमें मुझे होटल से ही पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, यानी ट्रिप ऑर्गेनाइज़र मुझे होटल से ही पिक करेगा और इस क्रूज़ के बाद मुझे वापस होटल ड्रॉप करेगा। इस पैकेज में 3 कोर्स डिनर भी शामिल है और इसके अलावा पूरी राइड में म्यूज़िक नाइट वाला निज़ाम तो है ही, जबकि बॉस्फोरस क्रूज़ ट्रिप का दौरानिया 2.5 से 3 घंटे का है। अगर आप ख़ुद ये ट्रिप करना चाहते हैं तो काबादश से इस ट्रिप की टिकट खरीदें, जो 15 से 25 यूरो के दरमियान आपको मिलेगी और आप क्रूज़ पर सवार हो जाएं। अभी आते ही इन्होंने हमें एक प्लेटर पकड़ा दिया है, जिसमें सैलेड है डिफरेंट किस्म के, और ताकि आप पहले खा के रह जाएं, आप बाकी चीज़ें कम खाएं, लेकिन अंदर नहीं पता इतने बाटा आए ने। तो ये अब्दुल रहमान साहब की फाइनली फ़ोन ख़त्म हो गया है और वो भी अपने काम पे शुरू हो गए हैं, तो कोई बात नहीं जी, छोटा सा प्लेटर ख़त्म हो गया। पानी भर लो भाई समुंदर से आदमी के लिए, अब्दुल रहमान साहब के लिए समुंदर का पानी दस्तियाब है, ये देख रहे हैं मेरे पीछे। बॉस्फोरस ट्रिप डे एंड नाइट दोनों में ऑपरेट किए जाते हैं। रात को बॉस्फोरस के यूरोपीय हिस्से में मौजूद तारीखी इमारतों को नहायत खूबसूरती से लिटअप किया जाता है, इसलिए मैं रात के वक्त बॉस्फोरस क्रूज ट्रिप को तरजीह देता हूँ। जो हमारी राइड थी बॉस्फोरस क्रूज की वो एंड हो गई है और अभी हम बाहर निकले हैं। यहाँ पे इकट्ठे नाचते रहे हैं, इकट्ठे खाने खाते रहे हैं और ये भी नहीं पता लगा कौन किसके साथ नाचता रहा है। और एंड में जो ऐलान हुआ है, ऐलान ये उन्होंने किया है कि कीप द सेफ डिस्टेंस और सब मास्क पहन के, सब मास्क पहन के, तो हमने भी एंड पे मास्क पहन खैर हम नाचे ही नहीं, और दूसरी बात ये हमारे लिए ये एक्सपीरियंस भी डिफरेंट था। आप बताइएगा आपको ये हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले।
जी तो टर्की ट्रिप का राउंड अप आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। और अगर आप पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वाटरफॉल देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। रिपन ट्रिप की डिस्कवर तुर्की सीरीज का आज हम बाकायदा आगाज कर रहे हैं और हमारी मंजिल है प्रिंसेस आइलैंड। इस्तांबुल के समुंदर को सी ऑफ मरमरा कहा जाता है और सी ऑफ मरमरा में टोटल 9 जजीरे हैं जो इंतजामी तौर पर इस्तांबुल का ही हिस्सा हैं। इनमें 5 जजीरों पर इंसानी आबादी मौजूद है और ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ भी मिल जाती है, जबकि 4 जजीरे गैर आबाद हैं। बाज़ंतीनी शहनशाहों की अतात ना करने वाले शहजादों और मलकाओं को जलावतन करके प्रिंसेस आइलैंड भेज दिया जाता था। उस्मानी दौरे हुकूमत में 20वीं सदी के आगाज़ में जब स्टीम बोट चलना शुरू हुई तो इन जजीरों पर आमदोरफ्त शुरू हुई। इसके साथ ही दुनिया भर में इनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं प्रिंसेस आइलैंड के क्या निज़ाम हैं। डे स्टार्ट हो चुका है हमारा और अभी हमने जल्दी ब्रेकफास्ट किया क्योंकि गाड़ी ने सुबह 8 बजे लेने आना था। पैकअप भी था और साथ चेकआउट भी था। तो इंशाल्लाह आज का दिन हमारा बड़ा ज़बरदस्त है जिसके लिए अब्दुलरहमान साहब बड़े एक्साइटेड हैं। हाँ, तकरीबन हमें बताया कि 1.5 घंटे की फेरी है और आज की हमारी डेस्टिनेशन है प्रिंसेस आइलैंड। तो बहुत सुना है इसके बारे में, देखते हैं कि अब कैसा रहेगा ये। अभी जो शटल थी उसे हमें ड्रॉप कर दिया, यहाँ से शायद वो हमें ट्रांसफ़र करेंगे फेरी में। अच्छा जी, कबदश एरिया है जहाँ पे क्रूज़ भी यहीं से स्टार्ट होते हैं और पहले मेरा ख्याल था कि ये एमिनोनो से जाएगी, एमिनोनो से भी फेरीज चलती हैं प्रिंसेस आइलैंड के लिए। हम लोग कबदश पहुँचे हैं और हमने ये खुद से प्राइवेट नहीं बना रहे, टूर ऑपरेटर से ही हमने ये पैकेज लिया है। 20 यूरो से लेकर 45 यूरो तक का ये पैकेज है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी ले लें। हमने 25 यूरो वाला लिया शायद, 25 यूरो वाला हमने पैकेज लिया है। तो यहाँ पे वो टिकट परचेज करें, सामने टिकट ऑफिस है, कबदश का ये एरिया है, यहाँ से आपके प्रिंसेस आइलैंड चलते हैं और क्रूज़ बॉस्फोरस क्रूज़ की राइड भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और ये तकसीम से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है। ज़िंदगी में पहली मर्तबा समुंदर का सफ़र कर रहा हूँ, दिल में हल्का सा खौफ था लेकिन इर्द गिर्द के माहौल ने इसे ख़त्म कर दिया है। बॉस्फोरस का जब हमने सफ़र किया था तो रात का वक्त था, समुंदर उस तरह से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब हम डे में स्टार्ट हो गए हैं इसलिए जो है साइट सीइंग बड़ी ज़बरदस्त है। ये वाली नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ साइट सीइंग की। तो अभी वैसे फेरी हमारी काफ़ी हद तक खाली है, मेरा ख्याल था कि ये भरेगी तो चलेगी लेकिन नहीं, इन्होंने वैसे ही चला दिया। आसमानी नीले और गहरे नीले रंग के पानी में चलती हुई फेरी ने अलग ही निज़ाम कायम कर दिया है।
जैसे जैसे फेरी ज़मीन को छोड़कर समुंदर में आगे बढ़ रही है, जजीरों की धुंधली सी तस्वीर नज़र आने लगी है। तेज़ हवा से उठती लहरें फेरी से आकर टकरा रही हैं, जिससे शोर भी पैदा हो रहा है और हल्की हल्की फवार भी। फेरी ने पहला स्टॉप जिस जजीरे पर किया है, इसका नाम वेंडी आइलैंड है और इसकी आबादी तकरीबन 16,000 के करीब है। फेरी ने अब मेट्रो बस का रूप धार लिया है। प्रिंसेस आइलैंड पर पहुंचने से पहले इसने सवारियां उतारनी भी हैं और नए मुसाफिर बिठाने भी हैं। जाने के दो तरीके हैं। पहला ये कि आप कोई टूर पैकेज ले लें और दूसरा आप इस टूर को खुद भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप कोई टूर पैकेज लेते हैं तो ये आपका स्टार्ट होगा 20 से 45 यूरो के दरमियान, जो कि पाकिस्तानी 4,500 से 8,500 के दरमियान बनता है। इस पैकेज में आपको होटल से पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, आपको फेरी का जो फेयर है वो भी इसमें शामिल है, आपको लंच या डिनर जो भी आप टाइम लें वो शामिल होगा, और इसके अलावा गाइड की सहूलत भी मौजूद होगी जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा ट्रिप के बारे में। प्रिंसेस आइलैंड अगर आप ख़ुद प्लान करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। आप इस्तांबुल के किसी भी इलाके में हैं, आप T1 ट्रैम पर बैठें और काबातश और या एमिनोनो उतर जाएं। काबातश और एमिनोनो से आपको प्रिंसेस आइलैंड की फेरी मिल जाएगी। यहां से प्रिंसेस आइलैंड जाने का रिटर्न आपको टिकट मिलेगा 8 यूरो में। आप खुद से चले जाएं, 1.5 घंटे का ये सफ़र है, ख़ुद से इसको एक्सप्लोर करें और अपनी गिवन टाइमिंग में और अपने स्केड्यूल के मुताबिक ख़ुद भी वापस आ सकते हैं। अभी रास्ते में ये सबको पैसेंजर्स को उतारते आ रहे हैं, उनके जो रेलिवेंट स्टॉप्स हैं अपने जो आइलैंड हैं उनके ऊपर वो उतरते जा रहे हैं। अभी लास्ट हमारा स्टॉप है और आइलैंड में हमारे गाइड ने हमें बताया कि 4 से 5 मिनट आपके रह गए हैं, फिर आपने वहाँ पे उतर जाना है। वैसे मैं पहले स्टॉप पे भी उतर गया था, मैं समझा प्रिंसेस आइलैंड आ गया है, तो उसने मुझे जाके पकड़ा, भाई इधर आ, अभी नहीं आया। तो बस अब 3-4 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। और ये ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस किया मैंने फेरी राइड का, तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, बड़ी ज़बरदस्त साइट सीइंग रही है और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा हम आज का दिन गुजारेंगे। साथ रहिएगा और हमारा एक्सपीरियंस और जो हमारा डे है वो देखते रहिएगा। प्रिंसेस आइलैंड हम पहुंच गए हैं और सब ने अब यहाँ पे उतरना है। अब्दुलरहमान साहब को ज़्यादा जल्दी है जाने की। खैर, टूर गाइड अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमें कि आज का हमारा क्या प्लान है, हमारे पास कितना टाइम है, हम ब्रेकफास्ट कितने बजे करेंगे और ये हमारी फेरी है जहाँ से हम अभी उतरे हैं। अगर आप प्राइवेट आ रहे हैं तो पीछे मेरे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये इनका टिकट घर है, यहाँ से आप टिकट परचेज करके तो गिवन टाइमिंग्स हैं आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल मिल जाती हैं फेरीज के जो टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप टिकट लेके यहाँ से आप इस्तांबुल सिटी जा सकते हैं। ये एक फ्री में ट्राई करवाते हैं, मतलब फ्री वाले खा रहा है। हाउ मच फॉर दैट? हाँ, खाने वाली चीज़ है, इस शक्ल में गुलाब जामुन जैसे हैं लेकिन अंदर से खाली हैं और अंदर से बड़े नरम से हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात मीठा बड़ा मुनासिब है। मैं भी खा लूँगा, आप भी खा लेंगे, आप तो खैर खा ही जाएंगे, तो फिर एक ले लेते हैं यार। ये वन थैंक यू।
आप क्यों नहीं खा रहे हैं? मर्जी है। सिगरेट बहुत पीती है हमें तो शर्मिंदगी हो रही है कैसी क्यों नहीं पीते। हल्की हल्की भूख लग रही थी तो लोकमा इनकी एक सौगात है। वैसे प्रिंसेस आइलैंड में आइसक्रीम भी बड़ी स्पेशल मिलती है तो लोकमा हमने ट्राई किया है, बड़ा मज़े का था। और अब हमारा प्लान है जी सी शोर पे वॉक करने का, वहाँ पे बड़े प्यारे रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा, क्लॉक टावर वाली साइड पे रश बढ़ गया है, अभी फेरीज भी आनी शुरू हो गई हैं। फेरीज जैसे जैसे आ रही हैं रश बढ़ता जा रहा है प्रिंसेस आइलैंड बहुत पहले आ गए थे उनसे। तो बस अब खबा हो गया आपका फिनिश। जो टिकट घर मैंने आपको बताया था उससे थोड़ा आगे एक मार्केट है, मार्केट से एक रोड राइट पे जा रहा है क्लॉक टावर है, और अगर आप सीधा चले जाएंगे तो आप बीच पे चले जाएंगे। ये बीच सैंडी नहीं है, थोड़ा सा रॉकी है, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है। और उसके बाद अगर आपने लोकल रेजिडेंस देखने हैं, टर्किश लाइफ देखनी है, तो आप क्लॉक टावर से राइट लेफ्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाएं तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन अभी जिस लाइन पे हम लोग चल रहे हैं ये जा रही है सीधी स्विमिंग पूल की तरफ। नहीं भाई, स्विमिंग पूल ही बस याद रह गया। और एक अच्छी बात मुझे भाई ने बताई है कि यहाँ पे आप अपना ड्रोन भी फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी को उससे इशू नहीं होना चाहिए, तो हमने उसको दूर दूर से उड़ाना है। हवा बहुत तेज़ चल रही है लेकिन पता नहीं अब उड़ पाएगा नहीं, लेकिन हम ट्राई पूरी करेंगे। दो घंटे की छुट्टी हमें दी है गाइड ने और क्लॉक टावर हमारा सेंटर पॉइंट डिसाइड हुआ है। प्रिंसेस आइलैंड इंतहाई खूबसूरत और साफ है, घरों की कलर स्कीम और इसके बाहर बगीचे का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ के बासी नहायत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। भी मिला है अभी यहाँ पे थोड़ी सी वॉक हो रहा है, जब हम वापस आएंगे तो फिर क्लॉक टावर वाला एरिया भी हमने करना है, तो लिहाजा मैंने सोचा जरा डोले छोले बन जाए। बड़ी खुशी से मैंने ड्रोन प्रिंसेस आइलैंड की फिजाओं में छोड़ा था, लेकिन फौरन ही मैसेज आ गया कि पाइन हवा बड़ी तेज़ है, ये ना हो कि आपका ड्रोन हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाए, तो बड़े भारी दिल के साथ इसे वापस बुलाना पड़ा। आगे हमें ये आइडिया हुआ कि बिल्कुल एंड के पास आके लोग स्विमिंग कर सकते हैं। हमने तो खैर हिम्मत नहीं की समंदर का साइज़ देख के, लेकिन कुछ उज़्बेक लड़के थे जिन्होंने डाइव भी किया और छलांग मारी है, बड़ा अच्छी डाइव थी, वो हमने काफ़ी कवर भी किया। दूसरा, यहाँ पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा सफाई हमें लगी है, उस टाइम के साथ साथ बिल्कुल लोगों ने बहुत प्यारे घर बनाए हुए हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग या टूरिस्ट आ रहे हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। हमारा यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे का स्टे है, लेकिन अभी यहाँ पे आके हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे तो एक रात रहना चाहिए। यहाँ पे होटल्स भी हैं
आपको यहाँ पे रात रुकने वाला जो सीन है ना निज़ाम बहुत अच्छा है अगर आप यहाँ पे रात रुक जाएँ। और बाकी इतना साफ़ सुथरा इतना पुरसकून जजीरा है ये बहुत, और यहाँ पे जो लोकल्स हैं और जो लोग हैं वहाँ पे इतने सुकून में बैठे हुए हैं, उनके चेहरे से ना वो सुकून आपको नज़र आता है कि दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ। ये देखें व्यूअर्स, ये सेकंड एपिसोड के लिए जालसाजी कर रहे हैं व्हाट्सअप, शर्ट चेंज करके बताएंगे कि मैं दूसरे एपिसोड के लिए स्पेशल आया हूँ, लेकिन हमने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया है। भाई अभी हमने खाना भी खाना है, आपको जो प्रिंसेस आइलैंड की इंटीरियर सिटी है वो भी दिखानी है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड। शीशोर वाली एरिया डिस्कवर किया था, एक्सप्लोर किया था, बड़ा ही ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ पे हम आधा पौना घंटा बैठे रहे और हमने पहली दफ़ा आपस में बातें भी नहीं की। इसका प्लान अब ये है कि हमने यहाँ से इंटरसिटी उनका देखना है और शायद से लोकल जो लाइफ स्टाइल है उनका, लोगों का और आर्किटेक्चर। यहाँ पे हमें गाइड ने बताया कि जो लोकल लोग हैं वो अपने घरों को बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं और फ्लावरिंग का उनको बहुत शौक है, तो हर किसी ने अपने घर को डिफरेंट तरीके से सजाया हुआ है, तो देखते हैं कैसा लगता है हमें। अच्छा, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये घंटा घर है, प्रिंसेस आइलैंड का घंटा घर, जैसे फैसलाबाद सियालकोट लाहौर में घंटा घर है इसी तरह यहाँ पे भी है। यहाँ की जो एक मुनफरद बात मुझे पता चली है, आइलैंड है तो यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, जितनी भी गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह वो सारी चलती हैं बैटरीज पे, और इसके अलावा tanga.com, तो कोशिश करके टांगा भी ढूंढते हैं और उसकी राइड भी करते हैं और चेक करते हैं। यस, क्या कहते हैं भाई? हेलो, आप क्या कह रहे थे? आजो आजो, बहुत मज़े का खाना भाई कह रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज़ है कि जैसे आप आइलैंड पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको साइकिल रेंटल मिल जाती हैं कुछ देर के लिए, 5 से 10 लीरा डिफरेंट किस्म की साइकिल्स हैं, कुछ बैटरी वाली भी हैं। 5 से 10 लीरा में आपको जो साइकिल मिल जाती है जिसपे आप इंटरनल जो इनकी इंटीरियर सिटी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्लान साइकिल वाला नहीं है, हम लोग पैदल ही जाएंगे। इस शॉप के जो रेट्स हैं वो ये बिल्ली बताएगी। बाजी है छुआरे की पाल आए जे हैं, बिल्ली कंप्लेन कर रही है जी हुकूमत से कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हमें महंगाई करनी पड़ गई। ये सारा प्रिंसेस आइलैंड ही ऐसे है जैसे हाथ से बनाया गया, वैसे हाथ से बनाया गया, लेकिन एक एक जगह एक एक इंच जो है वो एस्थेटिकली इतना ज़बरदस्त बना है, खूबसूरत जगह है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ लोगों ने जो यहाँ पे डेवलपमेंट किया है वो भी देखने वाली है। छोटे छोटे कॉम्पैक्ट से इनके पास प्लेसेस हैं लेकिन हर बंदे ने उसको बहुत ही अच्छा सजाया है। इतने प्यारे प्यारे घर हैं और उनके कलर कॉम्बिनेशन इतने वाइब्रेंट रखे गए हैं और ज़बरदस्त है। अच्छा जी, हमने ये डिसाइड किया है कि 2 प्लेटर ले लेते हैं और आधे आधे खा लेंगे, लेकिन अगर मेरा मज़ेदार निकला है तो मैंने कोई नहीं देना। इसमें एज़ यूजुअल इनकी एक बड़ी सी हरी मिर्च है, साथ लेटस है और प्याज़ है, और साथ में पिलास मतलब चावल, और साथ चिकन के 2 बड़े बड़े पीस हैं। वेरी गुड। और यहाँ पर है जी टर्किश डोनर प्लेटर है, इसमें ये चिकन है, चिकन डोनर लिया है उन्होंने टर्किश का, साथ चिप्स है और वो पीछे एक टमाटर छुपा हुआ है बच के। अच्छा जी, तो स्टार्ट हम ले रहे हैं चिकन डोनर से, ये देखने में तो बड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, तो ज़्यादा ही आ गया। इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डला हुआ और हल्के से मसाले के साथ उन्होंने इसको ग्रिल किया हुआ, नहायत ही सस्ता और इसका रिफ्रेशिंग सा टेस्ट है, आप इसको अपनी भूख से ज़्यादा भी खा सकते हैं। चावल आपकी मर्ज़ी है, इन्होंने चावल भी दिया है तो साथ, लेकिन हमें ये ब्रेड भी दी दिया, आप दोनों चीज़ों के साथ इसको ले सकते हैं। तो वैसे चावलों के साथ भी टेस्ट करके देखते हैं। चिकन टेंडर लाइन दूसरा मेन्यू है और कटिंग में तो बड़ा टेंडर है और साथ इसके बड़ा फ्रेश क्रिस्पी जैसे ठंडे पानी में प्याज किया होता है वो है।
अपने नाम की तरह वाकई बड़ा टेंडर है। इसका जो स्पाइस है वो हाल्दो जो हमारा डोनर है उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें चिप्स नहीं है और इसमें लेटस और फ्रेश अनियन आपको दिए गए हैं चावलों के साथ। प्रिंसेस आइलैंड का सफ़र हमारा एमिनोनो पे आके ख़त्म हो गया। हम बैठे काबातश एरिया से थे और उतरे हम एमिनोनो में हैं। यहाँ से सलेमानिया मॉस्क और ग्रैंड बाज़ार बिल्कुल करीब है। और प्रिंसेस आइलैंड का जो तजुर्बा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फैंटास्टिक वन था और बहुत सारी यादें लेके हम वापस जा रहे हैं जो, और हमने बड़ी ज़्यादा तस्वीरें बनाई हैं। ऑल टुगेदर बहुत एक अच्छी चीज़ है। अगर आप हनीमून पे आए हैं, कपल्स के साथ आए हैं, तो ये बेहतर रहेगा कि आप वहाँ जाएँ और रात भी स्टे, बिकॉज वहाँ पे ऑफशोर साइड पे जो जगह है वहाँ पे वॉक अवे और कॉफ़ी शॉप बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें। प्रिंसेस आइलैंड के सफ़र से जो मैंने सबसे अच्छी बात देखी है और सीखी है, ये लोग बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं। सबसे बढ़कर इनके लिए टर्की है और मैंने जगह जगह टर्की के फ्लैग देखे हैं और ये इस तरह से अपनी चीज़ों की सफाई रखते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं। ये चीज़ हमने सीखनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ है वो हमें दूसरों को देख के सीखनी चाहिए। नॉर्मली हमारे मुल्क में क्या होता है, हमें 14 अगस्त के अलावा अपना झंडा कहीं नज़र ही नहीं आता। इन्होंने हर जगह पे अपना टर्किश फ्लैग ऐड किया हुआ है। मेरे टीचर कहते थे आप किसी मौजदे का इंतज़ार ना करें, आप सिर्फ अपने हिस्से की जो है ना अच्छाई वो करें तो मुआशरा खुद ही सीख हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम जो टर्की के सफ़र में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख भी रहे हैं, पर्सनली अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मैं इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करूँगा और आपसे भी जो है इंसिस्ट करूँगा कि आप इसको फॉलो करें, पाकिस्तान से प्यार करें और पाकिस्तान को सबसे आगे रखें। ग्रिपन ट्रिप के आज के इस मैसेज के साथ प्रिंसेस आइलैंड का मेरा एपिसोड ख़त्म हो गया और मेरा टर्की का सफ़र अभी जारी है। मेरे साथ रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। ग्रिपन ट्रिप के आज के एपिसोड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्तांबुल के एरिया टैक्सिम स्क्वायर में। इसको ये टैक्सिम स्क्वायर कहते हैं और हम लोग इसे तकसीम स्क्वायर कहते हैं। आप ये जो पीछे मेरे मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, आप इसको तुर्की का मीनार पाकिस्तान समझ लें एक किस्म का। इसमें मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और उनके जो साथी थे उनके मुजस्मे नस्ब किए गए हैं। पहली जंग दीन के बाद जब तुर्की और जर्मनी को शिकस्त हुई, तुर्की की जो सल्तनत उस्मानिया थी उसका खात्मा कर दिया गया और लुजान एग्रीमेंट के मुताबिक टर्की को सेकुलर स्टेट का दर्जा दिया गया। ऑफिशियली इसका जो रिलीजन था उसको सेकुलर कर दिया गया। इसके अलावा ख़वातीन के पर्दे पर पाबंदी लग गई और यूरोपियन लिबास ड्रेस कोड जो था उसको लाजमी कर दिया गया और पर्दे को कानूनन जुर्म बना दिया गया। इसके अलावा दीनी मदारिस पर भी पाबंदी लग गई और फ्राइडे की छुट्टी ख़त्म कर दी गई। ये मैं आपको इसकी लुजान एग्रीमेंट की मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। और पहली जंग दीन में जब ओपोनेंट्स ने टर्की पर कब्ज़ा कर लिया तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस कब्ज़े को छुड़ाया और बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त दी और इस्तांबुल को खाली करवाया। और ये जो पीछे मॉन्यूमेंट देख रहे हैं इसी याद में बनाया गया। तकसीम स्क्वायर में पूरे शहर से डिफरेंट डिफरेंट सड़कें आती हैं जो यहाँ पे आके खुलती हैं। ये एक बड़ा सा मैदान है, पुख्ता मैदान है, यहाँ पे काफ़ी लोगों की गैदरिंग भी हो जाती है और अक्सर आपने देखा होगा अगर कोई जलसा जुलूस हो या कोई मूवमेंट हो, इंपॉर्टेंट काम हो, तो लोग यहाँ पर टैक्सीम स्क्वायर में ही इकट्ठे होते हैं। इसके साथ ही इस्तकलाल एवेन्यू भी है। मैं आज टैक्सीम स्क्वायर भी फिरूँगा और इस्तकलाल स्ट्रीट में भी थोड़ा विज़िट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या खाने अवेलेबल हैं, किस किस तरह की यहाँ पे ब्रांड्स हैं, लोगों की लाइफ यहाँ पे कैसी है। तकसीम स्क्वायर से कई रास्ते शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और मैं जा रहा हूँ इस्तकलाल एवेन्यू की तरफ। इस्तांबुल में रेड़ी पर मकई का भुट्टा दो तरीके से बेचा जाता है, भूनकर और उबालकर।
तुर्की के लोग हेज़लनट बहुत शौक से खाते हैं और ये यहाँ की मुकामी पैदावार है। खाने में मज़ेदार होने के साथ साथ ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है। इस्तांबुल की ट्रैम के आगे मैं खड़ा हूँ इस वक्त और अब ये सिर्फ एक सिंबल के तौर पे चलाई जाती है और ये 1871 की है, मतलब तकरीबन 150 साल हो गए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस्तक़लाल एवेन्यू में से गुजरते हुए आपको सैर करवाती है और लोग यहाँ पे सेल्फीज बनाते हैं और ये बड़ी अट्रैक्शन है टैक्सी। इस्तांबुल शहर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यूरोप में जबकि दूसरा एशिया में वाकया है। ज़्यादातर तारीखी मकामात जैसे ग्लाटा टावर, सुल्तान अहमद, अयूब सुल्तान, ग्रैंड बाज़ार, ये सारे हिस्से इस्तांबुल के यूरोपी हिस्से में वाकया हैं जो कि कदीम इस्तांबुल भी कहलाता है। इस्तांबुल के दोनों हिस्सों में से गुजरने वाले समुंदर की एक छोटी सी लाइन है जिसे बॉस्फोरस कहा जाता है और यही लाइन यूरोप को एशिया से अलहदा करती है। इस्तांबुल के यूरोपी हिस्से में समुंदर एक तंग सी नाली बनकर गुजरता है और इस हिस्से की शक्ल एक बाजे की सी लगती है, इस बिना पर इसे गोल्डन हॉर्न कहा जाता है। इस्तक़लाल स्ट्रीट में भी आपको ये वाले भाई नजर आते हैं, इनकी वीडियोस आप अक्सर देखते हैं फेसबुक के ऊपर और ये बड़े दांत निकाल निकाल के खाना बना रहे होते हैं। तो इनका जो रेस्टोरेंट है वो भी इस्तक़लाल स्ट्रीट में ही है। ये देखें यहाँ पे भी दांत निकालने से भाई ये बात नहीं आ रहे। और भाई जी ठीक ठाक हो, खैरियत है? हैं ओए होए होए, कह रहे हैं बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया, थोड़ा टेंशन पे आ गया। अच्छा ये लोग हमें शक्लों से पहचान लेते हैं, शायद हम पाकिस्तानी हैं। तो जितने भी इस्तक़लाल एवेन्यू के राइट लेफ्ट बाज़ार हैं वहाँ पे शीशा कैफेज़ हैं, पब्स हैं, डांसिंग क्लब्स हैं और हमें वो समझ जाते हैं कि ये पाकिस्तानी है, इसलिए वो फटाफट कहते हैं कि भाई आ जाओ डांस क्लब डांस क्लब। तो मैंने कहा यार जाने दो यार, मैं हो आया हूँ। तो वो हमें देख लेते हैं शक्लों से ही, वैसे मैं गया नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कपल एंट्री अलाउ होती है, तो मैं तो आपको पता फिर अभी तक दोस्तों के साथ आया हूँ, तो मैं अभी मिट करके थक गया हूँ इस्तक़लाल एवेन्यू का। यहाँ पे बड़ी ही एनर्जेटिक लाइफ है और हर बंदा जो है वो हैप्पी भी है, बिज़ी भी है और जल्दी में भी है। और यहाँ पे आइसक्रीम वाले बहुत हैं जो बंदे को जलील कर देते हैं, तो दो दफ़ा तो जलील हो गए हैं और वो सामने कर भी रहा है उसको। तो मज़ेदार है यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस। तो अभी मेरा आधा सफ़र हो गया है, ब्रेक लिया हुआ है, तो अभी आगे मज़ीद आधा चलते हैं। शॉपिंग बड़ी अच्छी हो सकती है गिफ्ट लेने के लिए, यहाँ पे टर्किश कल्चर के रिलेटेड बहुत सारे सोवेनियर्स अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे स्वीट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ पे फीस मुस्तफ़ा के चार पार्लर हैं मैंने देखे हैं, इसके अलावा भी एक दो और बड़ी दुकानें हैं उसी लेवल की। हमारा तकसीम इस्तक़लाल स्ट्रीट का प्रोग्राम अभी जारी है, अभी हमने उसको हाफ़ विज़िट किया है और हाफ़ अभी हम बाद में करेंगे। खाने का प्रोग्राम बन गया है और खाना हमने यहाँ से नहीं खाना, खाना हमने खाना है एमिनोनो से, एक बड़े फेमस कबाब हैं। इस वक्त मैं हूँ टैक्सिम स्क्वायर में, इससे आगे है कैराकोय गलाटा से आगे, और कैराकोय से गोल्डन हॉर्न क्रॉस करेंगे तो आगे आ जाएगा जी एमिनोनो। तो एमिनोनो से चल के हम पहले खाना खाएंगे और रिमेनिंग जो इस्तक़लाल एवेन्यू का पार्ट है वो हम रात के वक्त शूट करेंगे कि रात को यहाँ पर क्या निज़ाम ज़िंदगी होता है। मैं इस वक्त टैक्सिम स्क्वायर में हूँ और खाना खाने एमिनोनो जा रहा हूँ जो कि गोल्डन हॉर्न की दूसरी जानिब है। वैसे तो टैक्सिम स्क्वायर से ट्रैम और बस के जरिए एमिनोनो जा सकते हैं, लेकिन मैं इस्तक़लाल से वॉक करता हुआ ग्लाटा टावर के करीब से गुजरूंगा और हेलिक ब्रिज जाऊंगा और कुछ देर वहाँ बैठ कर रेस्ट करूंगा और फिर वहीं से पैदल हेलिक ब्रिज क्रॉस करके एमिनोनो चला जाऊंगा। ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर का सफ़र बनता है। वैसे आपको बताऊं, इस्तांबुल पैदल फिरकर देखने वाला शहर है, यहाँ की हर गली हर मंजर ही दिलचस्प है। अगर आप तुर्की में कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं ना, तो मेरा मशवरा यही है कि यहाँ पे सिगरेट बेचना शुरू कर दें। यहाँ पे हर बच्चा, हर बच्ची, लड़की, लड़का, आंटी, अंकल, सारे के सारे सिगरेट पीते हैं और सिगरेट का बिज़नेस यहाँ पे बहुत चलने वाला है। मैं तो यही सोच रहा हूँ, अगर बिज़नेस का मौका मिला मुझे टर्की में तो मैं यहाँ पे सिगरेट ही बेचूँगा, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे सिगरेट पीता है।
Hello. This is complimentary. Pakistan se? Yeah. Pakistan kaha se? Lahore se. Lahore se. I am Graj se. Wow. Turkish delight ki hum shop pe aaye hain te app pichon chup nahi karda paya mera link nahi banda paya. Ha. To is shop pe humne locum liya hai. Grand Bazaar mein aapko milta hai 40 Turkish lira ka kg. और ये जो एमिनोनो की मार्केट है यहाँ से आपको मिलता है 15 टर्किश लीरा का केजी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, आप ग्रैंड बाजार से वैसे शॉपिंग ना करें। ओवरऑल मैंने देखा है, और चुप कर जा, ग्रैंड बाजार में आपको कंपैरेटिवली चीज़ें महंगी मिलती हैं। आप वहाँ पे जस्ट विंडो शॉपिंग करें, उसका इंटीरियर देखें, और शॉपिंग जो है ना वो बाहर आके आप एमिनोनो मार्केट से करें। बट साहब को इस टाइम सिर्फ खाने की टेंशन है, और खाने में भी सिर्फ लैम की टेंशन है। तेरे लिए ढूंढ रहा हूँ भाई, तुझे भूख लगी है। शहजादा जे कबाब इस्तांबुल में एक खास निज़ाम रखते हैं, इसीलिए मैं तकसीम स्क्वायर को छोड़कर यहाँ खाना खाने आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम, सब लोग ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऐसी कोई जबरदस्त रेसिपी है ना, ये दो मैंने मुफ्ते लगा ली हैं, कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने मुझे खिला दी हैं, और रश लगा हुआ है यहाँ पे काफ़ी। आप देख रहे हैं भाई कितने बिजी हैं, इस दुकान को हम बड़ी मुश्किल से ढूंढ के आए हैं। टॉप 10 जो ईटरीज हैं इस्तांबुल की, अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो उसमें ये भी आएगा, और ये एमिनोनो के इलाके में है। और ये देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, और यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, और क्योंकि जो लोग ऑर्डर देते हैं ना, तो खाना खाने के बाद वो मज़ीद 2-3 प्लेटें और ऑर्डर कर देते हैं। तो जो लोग खड़े हुए हैं, तो भाई कह रहे हैं कि डिलीशियस मीट है इनका बहुत ज़्यादा, तो हम भी बड़ा सुन के और बड़ा देख के आए हैं। लैम का टिक्का है, और बीच में एक एक हल्की हल्की लेयर है चर्बी की। वैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री उससे खा भी लिया, और ये कमाल चीज़ है, और ये लोग पाकिस्तानियों से वैसे बड़ा प्यार करते हैं। वो भाई ने मुझे भी 8-10 शहरों के नाम बताया, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत बहुत मज़ा आता है। और साथ में हमारे पुडिंग है, ये हमने काफ़ी दिनों से नहीं खाई, और चटनी इनकी थोड़ी स्पेशल है साथ। ये देखें, इसमें घी, टमाटो ही बेस है इनकी हर चीज़ की। तो ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। आगे भाई छा गए, 28 लीरा का आपको 2 टिक्के मिलते हैं, और साथ में 2 रोटियां मिलती हैं, और सिर्फ नमक लगा हुआ है इसको। मैंने उनसे पूछा है, कह रहे हैं इसमें नमक और सिरके की कोई इनकी रेसिपी है, और ऐसे यहाँ पे लोग आ रहे हैं और रश लगा रहे हैं। ये टिक्का वाकई डिजर्व करता है कि ये टॉप 10 में आए। हमने इस्तांबुल की तकरीबन सारे खाने खा लिए हैं जो फेमस हैं, ये वाकई डिजर्व करता है, बल्कि टॉप 5 में बनता है आना, और ये हाईली रिकमेंडेड है। एमिनोनो का ये इलाका है, आप गूगल से इजीली आ सकते हैं, और स्टॉप से 700 मीटर दूर है। यहाँ पे आप उतरते हैं मेट्रो से या फेरी से, वहाँ से 700-600 मीटर दूर होता है, और ये ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह। जी भाई, अपने नाम की तरह शहजादा टिक्के हैं, लैम के बेहतरीन टेस्ट है, लेकिन सबसे अच्छा खाना मुझे लगता है हमने आज का, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब। ठीक, मस्त विजिट प्लेस। लस्सी क्यों नहीं पीता यार तू? इस लस्सी की सबसे बुरी बात भला क्या है, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। जैसे लोग चाय पीते हैं ना पाकिस्तान में,
हम लोग अपने दोस्तों के साथ ट्रिप करते हैं तो जब एंड पे हिसाब होता है तो 130-130 कप चाय के निकलते हैं 6 दिन के ट्रिप में 5 दिन के ट्रिप में इतनी चाय पीते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं पीता लेकिन इस दफ़ा हमने इस लस्सी के साथ जो है ना वो चाय वाला ही सलूक किया है। ये है ही इतनी ज़बरदस्त। बस कर दे यार तेरी मेहरबानी। एमी दोनों से खाने का निज़ाम करने के बाद वापसी फिर तकसीम स्क्वायर की तरफ ही है और वैसे भी मेरा होटल तकसीम स्क्वायर में ही है। इस्तक्लाल एवेन्यू की रौनकें रात को मज़ीद बढ़ जाती हैं। इस सड़क के दाएं बाएं वाली गलियों में डांस क्लब, शीशा कैफ़े और हर तरह के रेस्टोरेंट मौजूद हैं। अभी रात खाने का टाइम हो गया है और डिनर में भी तुर्की के रवायती खाने का ही प्लान शामिल है, तो आएं पहले आपको खाना खिलाऊं। ब्रेड लिया हमने चीज़ वाली, बड़ा ही बेहतरीन और खूबसूरत था इसका प्रोसेस बनाने का जो मैंने देखा है। और साथ हमने लिया लहमा चौंक, इसमें टमाटर, प्याज, धनिया और थोड़ा थोड़ा कीमा और साथ हल्की सी लैम की जो चर्बी होती है हल्की सी वो है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जी लहमा चौंक से। इसकी जो रोटी है ना वो बड़ी पतली सी है, नॉर्मली जो मैंने पहले एक दो दफ़ा खाई है वो ज़रा मोटी होती है रोटी, इसकी रोटी बहुत पतली है। तो देखें साथ में ये पत्ते हैं, पता नहीं ज़बरदस्त। ये था भी 18 लीरे का, बड़ा अच्छा मिल गया। अच्छा जी अगली बारी है जी चीज़ पिज्जे की, इसमें मीट पिज्जे भी होता है तो गोश्त हमने इतना खा लिया, आज हमने चीज़ पिज्जे का खा लिया। बड़ी कोई हैवी चीज़ लगाई हुई उन्होंने, कमाल। डिस्कवर टर्की सीरीज़ अभी जारी है और मेरी अगली एपिसोड आपकी राय की मुंतज़िर है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार शरीफ मदीना से 3000 किलोमीटर दूर इस्तंबुल में क्यों है, या आप 1800 साल पहले बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े चर्च की कहानी सुनना चाहते हैं जो 500 साल मस्जिद में रहने के बाद एक म्यूज़ियम बना दिया गया और अब हाल ही में इसे मस्जिद में तब्दील किया गया है। मेरी अगली एपिसोड आपकी राय के बाद ही अपलोड की जाएगी। राय देने के लिए आप कमेंट लाजमी करें और ये भी बताएं कि तकसीम स्क्वायर की एपिसोड आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड
और इस एपिसोड में मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस्तांबुल के फेमस बल्कि दुनिया के फेमस और सबसे पुराने शॉपिंग मॉल में आया हूँ। तकरीबन 550 साल पुरानी ये मार्केट है और इसके अंदर 4000 के करीब दुकानें हैं जो कि कवर्ड है और तकरीबन 60-61 के करीब गलियां हैं। कल्चर से लेकर और जदीद सामान हर चीज़ यहाँ पे फरोख्त होती है और स्पेशली यहाँ की ज्वेलरी और मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं और इस बाज़ार के कॉर्नर पे नुसरत स्टेक हाउस भी है। तो एंडिंग जो है ना वो इस एपिसोड की बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, आप मेरे साथ रहिएगा और देखते हैं इस बाज़ार में इसका इंटीरियर कैसा, यहाँ पे क्या क्या बिक रहा है। यहाँ पे स्पेशली लैंप शॉप बहुत फेमस है, यहाँ की फोटोग्राफी वो नहीं करने देते लेकिन आज अभी करके जाऊँगा, तो आप मेरे साथ रहें। यूरोपी हिस्से में वाकया है, आप सुल्तान अहमद से वॉक करते हुए यहाँ जा सकते हैं और अगर एमिनोनो से आएं तो भी 12 से 15 मिनट की वॉक करके आप ग्रैंड बाजार पहुंच सकते हैं। ग्रैंड बाजार दुनिया का पहला बाकायदा शॉपिंग मॉल है जिसे तकरीबन 565 साल पहले तामीर किया गया। यहाँ 4000 से ज्यादा दुकानें, रोजाना की बुनियाद पर यहाँ 2.5 से 4 लाख लोग आते हैं। साल 2014 में यहां आने वाले लोगों की तादाद 9 करोड़ से ज्यादा थी जो आज तक किसी भी शॉपिंग मॉल में स्टेप इन करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए, गिफ्ट्स के लिए इतनी को वैरायटी है कि अगर बंदा, आप अपनी बेगम के साथ अगर आएंगे तो फंस जाएंगे, तो लिहाजा अकेले आए मेरी तरह, क्योंकि गिफ्ट्स के लिए और वैसे यहाँ पे कपड़ों की शॉपिंग की, ज्वेलरी की और डेकोरेशन आर्ट पीस इतनी को वैरायटी है कि बंदा पागल हो जाता है और दिल करता बंदा सारा कुछ ले जाएगा अपने साथ। ये डिफरेंट किस्म के इसमें काले चने हैं, पिस्ते हैं और एक बैटर सा बना हुआ है जिसमें इन्होंने पैक किया हुआ है सारे मवाद को। इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी है, ये रेड सा पता नहीं क्या है, लेकिन अनगिनत और अनवाह वैरायटी है। देखें जी, टी की कितनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, डिफरेंट किस्म के कावा जाते हैं। ब्रदर, व्हाट इज नेम? दिस वन इज तुर्किश डिलाइट, वी सेड लुकुम। मुकुम? लुकुम। लुकुम, लुकुम छुपुम, लुकुम हलकुम। और
बजट थोड़ा था, लेकिन भाई कह रहे हैं कि 5-5 किलो करवा लें सारा कुछ। भाई को पता लग गया कि मलक रियाज आ गया पाकिस्तान से, तो इसलिए तो यहाँ से कुछ और चीज़ें भी लेंगे। अभी हमने एक दो दुकानों से मुफ्त लगाए हैं, तो ये जो चीज़ हमने पैक करवाई है अभी, इस चॉकलेट के अंदर एक बादाम सा है वो अच्छी लगी, हम वो ले रहे हैं। साढ़े 500 साल पहले बनने वाला स्ट्रक्चर कितना ज़बरदस्त था, लाइट के लिए, हवा के लिए, लोगों की कंजेशन के लिए। मतलब यहाँ पे रश लग ही नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो चौक आ जाता है, राइट लेफ्ट गली आ जाती है, जैसे ही रश लगता है लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। वो मेरी पास सब कुछ है। हाँ जी तो सुन लिया आपने। अच्छा, ये लोग हमें शक्लों से पहचान लेते हैं और डायरेक्ट उर्दू ही बोलते हैं, पूछते ही नहीं हैं हमसे कि हम पाकिस्तान से आए हैं। बड़ी अजीब सी बात है। हनी शॉप को कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया, नहीं तो उनका जो दुकान का जो इंटीरियर होता है और जो उनके बर्तन होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, और वो बड़े ही आपको स्टाइलिश तरीके से कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप शहद ले लें। फाइनली हम पहुंच गए हैं इस भाई के पास, इनकी हम अक्सर मीट कटिंग की वीडियोस देखते हैं। तो ये नुसरत स्टेक हाउस के हैं और यहाँ पे इनके जगह जगह पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो चल के देखते हैं आज हमें ये कैसे पीस के दिखाते हैं नमक। ये ऐसे करके नमक डालते हैं और जब आप बिल पे करते हैं तो फिर आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि एग ही हो गया। इसके अलावा बताते चलो आपको, नुसरत की इस्तांबुल में 5 से 6 ब्रांचेज हैं, इसके अलावा दुबई में भी ब्रांच है इनकी, न्यूयॉर्क में भी है, और पिछले साल मैंने बात सुनी थी कि कराची में भी ये लोग प्लान कर रहे हैं स्टेक हाउस खोलने का, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा रश होता है और आपको वेट भी करना पड़ जाता है। अभी छुट्टी का टाइम भी नहीं है और आई थिंक इजीली हमें मिल जाएंगी सीट। Well done. Well done. Both well done. Yes. Okay. Would you like some garnish? French fries come with burger. Yes. 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 Order हमने अपना दे दिया है और माशाल्लाह इस स्टेक हाउस के जो स्टार्टर हैं वो भी 500 टर्किश लीरा के हैं, तो वैसे हमें इतनी भूख नहीं थी इसलिए हमने अपना ज़रा नॉर्मल ऑर्डर दिया है। असल में ये स्टेक खाते हैं हाफ डन, और इनका जो वेल डन है ना, हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए वो भी हाफ डन ही होती है, तो इसलिए फिर हमने स्टेक के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं किया। क्यों, हमने इनको इनका एक स्टेक बर्गर फेमस है बड़ा, लोकम बर्गर साथ मेडिटेरेनियन सैलड, वो हमने ऑर्डर किया है। और यहाँ पर ऑर्डर करने का जो तरीका है वो भी बड़ा डिफरेंट है, आपको QR कोड से स्कैन करके मेन्यू हासिल करना पड़ता है इन्हीं के वाईफाई से, तो हमारे पास QR कोड स्कैनर नहीं था, तो फिर हमने इनको मैनुअल दिया है अपना ऑर्डर। हमने लोकम बर्गर लिया है, इसमें जो बीफ है उसको क्रश करके मिक्स किया जाता है डिफरेंट स्पाइसेस डाल के,
बर्गर में ऊपर नीचे चीज़ लगाई जाती है और सिंपली उसको, ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये सारा ग्रिल बर्गर है। ये आप देखें इसमें और तीसरी कोई चीज़ नहीं है। इनकी वर्ल्ड बेस्ट स्टेक है, मेरे ख्याल से इनका बर्गर भी बेस्ट ही है, नो डाउट। इतना ज़बरदस्त, इतना नरम बर्गर है, बीफ को इतना नरम बनाने में बड़ा काम होता है। इस टाइप में वैसे लेके देखते हैं, तो वैसे डिजर्व करते हैं, बेस्ट बर्गर है इनका जो मैं खा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं खा रहा हूँ मैं तारीफें कर रहा हूँ, मैं वैसे बेसिकली बर्गर का इतना शौकीन हूँ ही नहीं, लेकिन ये वो चीज़ है तो जिसमें बर्गर वाला सीन है ही नहीं। अब देख सकते हैं इसमें सारी फिलिंग बीफ की हुई है और चीज़ लगी हुई है जस्ट। अच्छा जी, हमारा मेडिटेरेनियन सैलड है जो कि 60 लीरा से लेकर 105 लीरा तक जाता है। इसमें ऐड ऑन की ऑप्शन होती है, हमने कुछ भी ऐड नहीं करवाया इसमें, कि 65-70 तक ही रही है बिल। इसमें है जी प्याज है, उसके ऊपर हल्की सी बारबेक्यू सॉस है, साथ ऑलिव्स हैं और स्वीट पोटैटोज़ हैं, और इसमें जो चीज़ है वो गोट की है, गोट मिल्क की चीज़ बनाई गई है, और इसमें एवोकाडोज़ भी हैं थोड़े थोड़े, और नीचे जो बेस है वो है लेटस की, आइसबर्ग की। अरे मुँह पानी आ रहा है, और मैं कुछ ढूंढता हूँ खा के ना बता दूँ। साथ पिकल है और साथ एक दो डिफरेंट किस्म के ये पत्ते हैं, मे भी सैलड सैलड का पत्ता हो लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है, तो बाकी फिर इसको खा के पता चलेगा। थोड़ा सा डालते हैं, आपकी प्लेट में डालता हूँ भाई, आप भी चेक करें भाई। मैंने चीज़ के चक्कर में ज़्यादा खाने खा लिया, पर खाना किमें है। आपका टर्की आने का जितना भी बजट है आप उसमें 10-12 हज़ार रुपया पाकिस्तानी ऐड कर लें, और नुसरत को अपनी टू डू लिस्ट में लाजमी ऐड कर लें। मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ टर्की, और ये मैं आज दूसरा दिन और पहुँच गया हूँ, मिस करने वाली चीज़ नहीं है। ये सबसे मज़ेदार चीज़ है इनकी, गोट मिल्क चीज़ है ये, साथ हम खाएँगे स्वीट पोटैटो। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स हुए हैं जो लोकल नहीं है, हमारे मुल्क में नहीं होती वो। वैसे अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएँ तो आप इनका एवोकाडो सैलड ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे थैंक यू लोग क्लैप कर रहे हैं मेरे सैलड खाने की खुशी में। तो ये जो गोट की मिल्क चीज़ है ये मैंने इसलिए सोच लिया था, बहुत ज़बरदस्त और डिफरेंट है। ग्रैंड बाज़ार का दौरा हमारा ख़त्म हो गया है, शाम भी हो गई है और लोग देखिए निकलना शुरू हो गए हैं और शॉप भी बंद होना शुरू हो गई हैं। इनकी टाइमिंग बड़ी स्ट्रिक्ट है और ये शाम में ही वापस चले जाते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, हमें भी इस पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। हमारा ग्रैंड बाज़ार का दौरा नहायत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट रहा है, क्योंकि इसमें हाफ साहब ने देखे वो लिफाफे उठाए हैं, हमने कुछ टर्किश डिलाइट ली है घर वालों के लिए, ताकि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि कुछ मीठा ले जाए। और भाईजान का क्रेडिट कार्ड को पासवर्ड लगा हुआ है, इनको पता ही नहीं, और कैश हमारे पास अब थोड़ा है, तो अभी कुछ या तो कोई वेस्टर्न यूनियन करते हैं पाकिस्तान से, या फिर देखते हैं कि कोई ऑनलाइन जो है हमारा क्रेडिट कार्ड चल जाए, क्योंकि अभी हमारा प्लान काफ़ी लंबा है। अभी हमने टर्की के और भी प्रोग्राम करने हैं, किसी और सिटीज़ में भी जाना है, ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा है, फ्लाइट्स भी हैं, तो इंशाल्लाह ये मसले को भी चल के अब देखते हैं। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर ब्लू मॉस्क है, वहाँ पर हमारा होटल है, और आज का डे एंड हमारा ब्लू मॉस्क पे जाके होगा। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आज के इस एपिसोड का फीडबैक दीजिए। थैंक यू।
इस्तांबुल शहर दो हिस्सों में है, ये तो आप जानते हैं। एक हिस्सा यूरोप में वाकया है जिसे थ्रेस कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा एशियन साइड पर वाकया है जिसे एनाटोलिया कहा जाता है। ज़मीन के इन दोनों हिस्सों को समुंदर की एक बारीक सी लाइन जुदा करती है जिसे बॉस्फोरस कहा जाता है। इसी बॉस्फोरस में फेरीज और क्रूज चलाए जाते हैं। इस्तांबुल में बॉस्फोरस क्रूज सयाहों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। इस राइड में तुर्की के खानों के साथ साथ तुर्की की सकाफत को स्किट्स की सूरत में पेश किया जाता है। तो चलें फिर आज बॉस्फोरस क्रूज का निज़ाम करते हैं। हम अपने क्रूज पे आ गए हैं और टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं और नाम रजिस्टर हो रहे हैं, और यहाँ से फिर हम क्रूज में तो हम एंटर हो गए हैं, तो बस एंट्री के बाद लोग थोड़े कम हैं, कोरोना इंस्ट्रक्शंस को भी का फॉलो करना है, तो देखते हैं आज क्या बनता है। अभी इस क्रूज़ पे 24 नेशनैलिटीज़ के लोग मौजूद हैं, उन्होंने सबके नाम और उनकी नेशनैलिटीज़ पूछी हैं। आई डोंट नो व्हाई, तो इनका कोई सेगमेंट होगा आई थिंक, और पाकिस्तानी मुझे एक फैमिली नज़र आई है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके टेरेस पे क्रूज़ के। Terrace number one, and this is the second floor. और ये दूसरे क्रूज हैं, ये भी अभी फिल हो रहे हैं, जैसे जैसे भरते जाएंगे ये वन बाय वन निकलते जाएंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं बॉस्फोरस ब्रिज है, द फेमस, इसका राइट हैंड देख रहे हैं ये एशिया का पार्ट है, और जो लेफ्ट हैंड देख रहे हैं ये यूरोप का पार्ट है। तो ये वो हिस्सा है जो यूरोप को एशिया से मिलाता है और इस्तांबुल को मुमताज़ बनाता है, एक वाहि सिटी दुनिया में जो दो बड़े आसमों को मिलाती है, जो दो कॉन्टिनेंट्स को मिलाती है। राइड के स्टार्ट में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान और मलका को दिखाया गया है कि वो किस तरह से ड्रेसअप हुआ करते थे। आप चाहें तो सुल्तान या मलका के ड्रेस में पिक्चर भी बनवा सकते हैं, और इसके आपसे 50 टर्किश लीरा चार्जेस लिए जाएंगे। अभी जो बादशाह सलामत गुजरे थे, अब वही बंदा तस्वीरें बेच रहा है। मुझे लगता है बादशाह का हद आजकल टाइट है। सुल्तान और मलका की अपेयरेंस के बाद तुर्की का रवायती रक्स पेश किया जा रहा है। रक्स की यह किस्म पूरे तुर्की में देखने को मिलती है। शादी ब्याह के मौके पर भी ऐसा ही रक्स पेश किया जाता है। तुर्क घुड़सवारी और नेजाबाजी में शुरू से ही बहुत माहिर रहे हैं, इसीलिए तारीख में इनको हराना आसान नहीं रहा, और इस वक्त भी नेजा फेंकने का मुजाहरा किया जा रहा है। क्रूज राइड में आपको भी अपने फन का मुजाहरा करने का पूरा मौका फराहम किया जाता है, जैसे कि ये भाई लगे हुए हैं। बॉस्फोरस क्रूज ट्रिप
20 से 45 यूरो में आसानी मिल जाता है। मैंने ये ट्रिप अपने होटल वाले से कहकर बुक करवाया है, जिसमें मुझे होटल से ही पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, यानी ट्रिप ऑर्गेनाइज़र मुझे होटल से ही पिक करेगा और इस क्रूज़ के बाद मुझे वापस होटल ड्रॉप करेगा। इस पैकेज में 3-course डिनर भी शामिल है और इसके अलावा पूरी राइड में म्यूज़िक नाइट वाला निज़ाम तो है ही, जबकि बॉस्फोरस क्रूज़ ट्रिप का दौरानिया 2.5 से 3 घंटे का है। अगर आप ख़ुद ये ट्रिप करना चाहते हैं तो काबादश से इस ट्रिप की टिकट खरीदें जो 15 से 25 यूरो के दरमियान आपको मिलेगी और आप क्रूज़ पर सवार हो जाएं। अभी आते ही इन्होंने हमें एक प्लेटर पकड़ा दिया जिसमें सैलेड है डिफरेंट किस्म के, और ताकि आप पहले खा के रह जाएं, आप बाकी चीज़ें कम खाएं, लेकिन अंदर नहीं पता इतने बाटा है। तो ये अब्दुल रहमान साहब की फाइनली फ़ोन ख़त्म हो गया और वो भी अपने काम पर शुरू हो गए हैं, कोई बात नहीं जी। छोटा सा प्लेटर था यार, खत्म हो गया। पानी भर लाऊं भाई समुंदर से हाथ में के लिए, अब्दुल रहमान साहब के लिए समुंदर का पानी दस्तियाब है। ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इनको पिला देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं चीज जिसका पता है ये क्या है, मैं बता सकता हूँ इसीलिए। सिंपल चीज है, सॉल्ट वाली है। उसके बाद अगली बारी है ये बॉयल्ड कैरेट्स हैं और साथ हैं जी मटर पीस हैं, इनको चीज में मिक्स किया गया। अब ये ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसा हम खाते रहते हैं, डिफरेंट चीज ट्राई करते हैं। कोक, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? चेरी जूस। चेरी जूस, ब्रिंग इट। पहले मैं कोक पीने लगा, फिर मुझे पता चला यार ये कोई और चीज़ है, तो फिर मैं कोक तो वहाँ पे पीता हूँ, जरा डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं। ये चेरी जूस है जी, खैर हम यहाँ थे। ये गंदम को मैश किया गया, गंदम को मैश किया है और उसमें थोड़ा सा विनीगर ऐड किया हुआ है, दानेदार उसको छोटा किया गया है जस्ट लाइक दलिया, और इसमें इसको उन्होंने विनीगर डाल के बनाया हुआ है। अच्छा ये नहीं हमने ट्राई किया, ये क्या चीज़ है? चीज़ रोल है, सिंपल चीज़ को उन्होंने ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई किया। सेकंड लास्ट, आलूओं के साथ इन्होंने कोई धनिया की या सीजनिंग की, धनिया की या किसी और चीज़ की सीजनिंग की हुई है, और ये तो इनका फेमस हुमस है, हुमस इनकी हर चीज़ में शामिल होता है, तो आजकल ये आपको पाकिस्तान से भी मिल जाती है बड़े इजीली। ग्रिल करके बैंगन को ग्रिल किया गया, इसमें बैंगन को ग्रिल करके उसको हल्का सा नमक लगा के और उसमें चीज़ ऐड की गई है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, ये हम घर में भी बना सकते हैं। बैंगन को दही में डाल के तो खाते ही हैं, लेकिन ये ग्रिल किया है। बॉस्फोरस ट्रिप डे एंड नाइट दोनों में ऑपरेट किए जाते हैं। रात को बॉस्फोरस के यूरोपीय हिस्से में मौजूद तारीखी इमारतों को नहायत खूबसूरती से लिटअप किया जाता है, इसलिए मैं रात के वक्त बॉस्फोरस क्रूज ट्रिप को तरजीह देता हूं। अभी हम बॉस्फोरस ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। ये ब्रिज 1973 में बना था और ये इस वक्त दुनिया का चौथा लंबा तरीन सस्पेंशन ब्रिज था। ब्रिज के दोनों तरफ मौजूद टावर्स की लंबाई 165 मीटर है, जबकि ब्रिज पानी की सतह से 64 मीटर बुलंद है। रोज़ाना की बुनियाद पर 180,000 से 200,000 के दरमियान गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। अगर आप यूरोप साइड से एशिया में दाखिल हों तो आपको टोल टैक्स पे करना होता है, जबकि एशियन साइड से यूरोप में दाखिला फ्री है।
ऐसे टर्किश म्यूज़िक आपको टैक्सी, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल हर जगह ही सुनने को मिलता है। ये डांसर वही गार्ड है जो अभी सुल्तान के आगे तलवार लेकर चल रहा था, और इससे पहले ये गार्ड एंट्री के वक्त लोगों के टेम्परेचर चेक कर रहा था। क्रूज में जगह कम होने की वजह से अमले को कम रखा जाता है और उनसे ज्यादा काम लिया जाता है, इसलिए एक आदमी कई कई भेस बदल कर आपके सामने पेश होता है। रवायती म्यूजिक के साथ साथ इंटरनेशनल फेमस म्यूजिक पर भी डांसेस पेश किए जाते हैं। शो के आखिर में बैले डांसिंग की आइटम पेश की जाती है। वैसे इस डांस का तुर्की के कल्चर से क्या ताल्लुक है ये मुझे भी नहीं पता। चलें छोड़ें, आम खाएं पेड़ ना गिनें। बैले डांसर को क्रू स्टाफ भी एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करता है। ये वाली परफॉर्मेंस देखकर आप खुद फैसला कर लें कि फैमिली के साथ आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं। ये लेडी लोगों की टेबल्स पे जाके इनके साथ पिक्चर्स बनवाती है जो बाद में आपको फ्रेम के साथ मिल जाती है। इसके 100 टर्किश लीरा चार्जेस लिए जाते हैं। खाने में आपके पास दो तरह के प्लेटर की ऑप्शन मौजूद है, एक चिकन प्लेटर और दूसरा फिश प्लेटर। तो हम लोगों ने चिकन प्लेटर ऑर्डर किया है। चिकन प्लेटर में दो चिकन के ग्रिल पीस, सिरके वाला अचार, दो रोस्ट किए हुए पोटैटो पीसेस, एक हरी मिर्च और टमाटर दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेश सैलेड भी साथ में मौजूद होता है। शो ख़त्म होने से पहले आपको एक फ्रूट प्लेट भी सर्व की जाती है। राइड थी बस फॉरेस्ट क्रूज की, वो एंड हो गई है और अभी हम बाहर निकले हैं। यहाँ पे इकट्ठे नाचते रहे हैं, इकट्ठे खाने खाते रहे हैं, और ये भी नहीं पता लगा कौन किसके साथ नाचता रहा है। और एंड में जो ऐलान हुआ है, ऐलान ये उन्होंने किया है कि कीप द सेफ डिस्टेंस और सब मास्क पहन कर। सब मास्क पहन कर, हमने भी एंड पे मास्क पहन कर। हम नाचे ही नहीं, और दूसरी बात ये हमारे लिए ये एक्सपीरियंस भी डिफरेंट था। आप बताइएगा आपको ये हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कार्दिश कार्दिशियम सिद्धि कार्दिशियम। टुडे आई एम एट द टॉम्ब ऑफ सलमान शाह ओलू अर्तुरुल, और आज का एपिसोड बड़ा ही ज़बरदस्त है। मुझे आपको, हम सबको अर्तुगरुल की जो सीरीज़ है जो कि हिस्ट्री में चैम्पियन विक्टोरियस रहे हैं, इनका जो एपिसोड हम देख रहे हैं और हर बंदा कोशिश कर रहा है यहाँ जाने की, तो आज मैं भी यहाँ पे पहुँच गया हूँ। आज मैं देखूँगा इनके श्राइन पे इनकी फैमिली की कौन कौन सी कब्रें हैं और इनका जो अपना मकबरा है वो कैसा है, तो मेरे साथ रहिएगा। ग्रिपन ट्रिप का सफ़र दाखिल हो चुका है इर्तुगुल गाजी मर्द हक के शहर में, और मैं इस वक्त थोड़ा थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ। तुर्की के लोग काई कबीले को अपना मोहसिन मानते हैं
और इनकी खिदमात और बहादुरी के आज भी मोतरफ हैं। इर्तुगुल गाजी के कबीले काई का झंडा आप इस इलाके में तुर्की के झंडे के पैरेलल देखते हैं। इर्तुगुल गाजी के मज़ार पर लोगों की अकीदत भी देखने से ताल्लुक रखती है। सल्तनत उस्मानिया के अहम किरदारों की बात की जाए तो उस्मान अव्वल और सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम सबसे नुमाया नजर आते हैं। इन दोनों के अलावा भी कई तुर्क कबायली सरदारों ने बहादुरी और जवां मर्दी की कई दास्तानें रकम की। इन कबायली सरदारों में काई कबीले के सरदार इर्तुगुल गाजी का नाम भी नुमाया है। इर्तुगुल गाजी सलमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान अव्वल के वालिद थे। एनातोलिया के सलजूक हुक्मरानों ने इर्तुगुल और काई कबीले की मदद के बदले इन्हें मगरबी सरहदी इलाके में आबाद होने के लिए ज़मीन दे दी। इर्तुगुल और इनका कबीला इसी सरजमीन से बाज़ंतीनियों और मंगोलों को नाको चने चबवाता रहा। इर्तुगुल गाजी को तुर्की में इंतहाई इज्जत की निकाह से देखा जाता है। बेलेचिक प्रोविंस से जब आप लेफ्ट टर्न ले लेते हैं तो 2-4 किलोमीटर आगे जाके आप वो पीछे जो काई कबीले का साइन देख रहे हैं ये आता है, ये आपको बताता है कि अब आप काई कबीले में एंटर हो रहे हैं, यानी कि सोगल सिटी में। ये काफ़ी बड़ा लैंडमार्क है और ये एक निशानी भी है। इर्तुगुल गाजी का मिसार सौत में वाक़ है। लिखने में ये लफ्ज़ सोगत है जबकि तुर्की वाले इस जी को साइलेंट करके सौत पढ़ते हैं। सौत शहर जाने के लिए आप पहले बेलेचिक जाएंगे जो इस्तंबुल से तकरीबन 210 किलोमीटर दूर है। बेलेचिक से मज़ीद आपको 20 किलोमीटर सफ़र तय करना होगा और आप पहुंच जाएंगे सौत शहर। सौत शहर पहुंचने की दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन वो जिसे मैंने इस्तेमाल किया है वो है प्राइवेट टैक्सी। ये इस भाई का नंबर है और उमर इनका नाम है। इनके पास 8-सीटर लग्जरी हाइस वैन है और मैंने इनको सौत के इस ट्रिप का 1200 टर्किश लीरा अदा किया है। इसमें इन्होंने मुझे होटल से पिक किया था और मुझे वापस होटल ही छोड़ेंगे। दूसरी ऑप्शन लोकल सफ़र की है। आप इस्तंबुल के बस स्टेशन से 55 टर्किश लीरा की टिकट खरीदें और बस पर बैठकर बेलेचिक पहुंच जाएं। बेलेचिक से सौत जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी लेना होगी और आपका ये राउंड ट्रिप 300-400 टर्किश लीरा में मुकम्मल होगा। इर्तुगुल गाजी के मज़ार से पहले एक छोटी सी मार्केट मौजूद है। यहाँ से आप काई के सुवेनियर्स भी ख़रीद सकते हैं और अगर चाहें तो एल्प का लिबास पहनकर घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। तो चलें फिर इर्तुगुल की मोहब्बत में ऐप बनकर ही शो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कार्दिश कार्दिशियम सिद्धि कार्दिशियम। टुडे आई एम एट द टॉम्ब ऑफ सलमान शाह ओलू अर्तुरुल और आज का एपिसोड बड़ा ही ज़बरदस्त है। मुझे आपको हम सबको इर्तुगुल की जो सीरीज़ है जो कि हिस्ट्री में चैम्पियन विक्टोरियस रहे हैं इनका जो एपिसोड हम देख रहे हैं और हर बंदा कोशिश कर रहा है यहाँ जाने की, तो आज मैं भी यहाँ पे पहुँच गया हूँ। आज मैं देखूँगा इनके श्राइन पे इनकी फैमिली की कौन कौन सी कब्रें हैं और इनका जो अपना मकबरा है वो कैसा है, तो मेरे साथ रहिएगा। İlerim! Barış!
के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो सबसे पहले सीधे हाथ हाइमे खातून की कब्र नजर आती है जो इर्तुगुल गाजी की वालदा थी, और मज़ार के दरवाजे से पहले आपके मंजिले बेटे साउची बे की कब्र है। साउची बे की कब्र से आगे कुछ मजीद कब्रें हैं जिनमें तुर्गुत ऐप जो इर्तुगुल गाजी को अपने भाइयों की तरह अजीज थे, और इनके साथ ही इर्तुगुल गाजी के बड़े बेटे गुंदूज बे की कब्र है। इससे थोड़ा आगे चलें तो अब्दुलरहमान ऐप की कब्र है। आप भी तारीख में एक गाजी रहे हैं। अब्दुलरहमान ऐप की कब्र के साथ दुंदार बे की कब्र है जो इर्तुगुल गाजी के सबसे छोटे भाई थे, और इसके सामने वाले लॉन में हलीमा सुल्तान की कब्र है। अब इस लॉन में पानी है इसलिए मैं वहाँ जा नहीं सकता। इनके मकबरे पर तुर्की के सियासी रहनुमा और अवाम भरपूर अकीदत के साथ हाजिरी देते हैं। इर्तुगुल गाजी की फतुहात तुर्क हिस्ट्री के अलावा मुस्लिम हिस्ट्री में भी एक रोशन बाब है। मजबूत यकीन और हक का साथ आपकी शख्सियत का खासा थी। आपकी ही तरबियत ने एक ऐसा बेटा परवान चढ़ाया जिसने इस्लामी तारीख और जुग्राफिया का रुख बदल कर रख दिया, और मुसलमान 300 से ज़ायद सालों तक सुपर पावर बने रहे। इसके अलावा भी इर्तुगुल गाजी के कई जान निसारों की कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। इस मज़ार पे आने की एंट्री फीस कोई नहीं है, और यहाँ पे एक छोटा सा बड़ा प्यारा पार्क बना हुआ है, फैमिली पार्क है। इसके अलावा इर्तुगुल और काई कबीले से रिलेटेड यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आप शॉपिंग के लिए और गिफ्ट्स के लिए लेके जा सकते हैं, और रेंट पे आपको ये कपड़े मिलते हैं और आप इनको ख़रीद भी सकते हैं। और यहाँ पे कुछ घोड़े भी रखे हुए हैं उन्होंने, आप पूरे कॉस्ट्यूम के साथ उस घोड़ों पे बैठ के जो है काई के झंडे के साथ भी आप वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कर भी रहे थे। और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इर्तुगुल के किस सीज़न पे हैं और कौन सा एपिसोड चल रहा है और आपका फेवरेट सीन कौन सा है। मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इस शराइन को। तुर्की के सरकारी टेलीविजन नेटवर्क TRT वर्ल्ड ने इर्तुगुल गाजी की ज़िंदगी से मुतासिर होकर 5 सीज़न पर मुश्तमिल ड्रामा सीरीज़ बनाई जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। ड्रामा तुर्क जुबान में बनाया गया लेकिन उर्दू और अरबी समेत 39 जुबानों में डबिंग करके इसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नशर किया गया। पाकिस्तान में PTV ये ड्रामा नशर कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक इसे 3 अरब से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। माशाल्लाह, जिंदा और पढ़ी लिखी कौमें जो होती हैं वो अपने हीरो को याद रखती हैं। इन्होंने अपने इनकी कब्रों को, इनके टॉम बनाए हुए हैं, इनकी जो चीज़ें थी इनसे रिलेटेड, इनके रेलिक्स, अभी तक सब कुछ एज इट इज़ रखा हुआ है। और यही जिंदा कौम होने की एक निशानी होती है कि आप इनको ज़ाया नहीं करते। और देखिए अब ये एक कितना बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट बन गया है और यहाँ पर डेली कितने लोग आते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी सनत कायम हो चुकी है जिसमें काई कबीले से रिलेटेड और टर्किश हिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट किस्म के सुवेनियर्स हैं और वैरायटी है, टी शर्ट्स की है, जो जो चीज़ें आप मेरे से देख रहे हैं, और लोग इसको ख़रीद भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस के साथ हो गए हैं वाबस्ता। तो इस सीज़न की मकबूलियत सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक नहीं है, एक तो इस्लामिक हिस्ट्री हमें देखने को मिली है। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे लंदन से, यूरोप से और कनाडा से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि क्रिश्चियन हैं और नॉन मुस्लिम हैं, वो भी इस सीज़न से इंस्पायर हैं। तो बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। सोगुत में जो इर्तुगुल का मज़ार है मैंने आज उसका दौरा मुकम्मल किया है, और यहाँ पहुँचना कैसे है और कितना ख़र्चा आएगा और कैसे कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं, और मज़ार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, और ऑल द वे मैंने फुल सफ़र किया है ये आपने देखा, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको मेरा आज का ये सफ़र कैसा लगा। मैं ख़ुद भी इस सफ़र के लिए बहुत बेताब था क्योंकि मैं खुद 5वें सीज़न पे इस वक्त चल रहा हूँ। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ए वाला अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया दिन और नया एपिसोड।
और आज हम रुके हुए हैं तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल करीब और जा रहे हैं अयूब सुल्तान हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार शरीफ पे। हम इस एपिसोड के लिए बड़े एक्साइटेड हैं और उस जो वो मज़ार है उसकी हिस्ट्री और वहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है वहाँ पे विज़िट करेंगे और उसका जो एरिया है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि हमें इस्तांबुल कार्ड मिल गया गिरावा अब हम इसमें कराएंगे लोड और बहुत सस्ते में ट्रैवल करेंगे क्योंकि अभी तक हमने बहुत टैक्सीज को पे किया बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज हुए हैं लेकिन ये है कि अब नहीं हाँ ये अच्छी चीज़ है ये आपको आते बनवा लेनी चाहिए लेकिन ठीक है ये अगर आप हो तो आपका ट्रैवल बढ़ जाता है टैक्सी की वजह से आप थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि यार नहीं लेकिन कार्ड अगर आपके पास होना तो आप बगैर सोचे भी निकल जाते हैं क्योंकि 3-3.5 लीरा आपका चार्ज होता है पर राइड तो इंशाल्लाह बड़ा ही अच्छा मुकद्दस सफ़र होने वाला है आप हमारे साथ रहिए। तकसीम स्क्वायर से अयूब सुल्तान जाने के लिए 55C मेट्रो बस पर बैठें और अयूब सुल्तान के स्टॉप पर उतर जाएं। ये बस आपको मज़ार शरीफ के सामने ही उतारेगी और इसके लिए आपका मेट्रो कार्ड का होना ज़रूरी है। आज के इस एपिसोड में मैं इस्तांबुल के उस इलाके में खड़ा हूँ जहाँ हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला की कब्र मुबारक है। आपके ही नाम से इस इलाके को अयूब सुल्तान का नाम दिया गया है। मक्का से जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो मदीना के हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि आप उनके मेहमान बने। आपने ये फ़ैसला फरमाया कि मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ूंगा और मेरी ऊँटनी जिस घर के आगे जाकर रुकेगी मैं उन्हीं का मेहमान बनूंगा। चुनाचा ऐसा ही किया गया और आपकी ऊँटनी हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर जाकर रुकी और आप मस्जिद नबवी के बनने तक उन्हीं के घर में मेहमान रहे। आप इस्तांबुल कैसे पहुँचे, आपकी कब्र यहाँ क्यों है, आपका मज़ार शरीफ कैसा है, आपके मज़ार शरीफ की अंदर से हालत कैसी है, लोग यहाँ पे कितनी तादाद में आते हैं और यहाँ की अंदर की जो मस्जिद है उसका इंटीरियर कैसा है, ये सारी बातें हम आपको दिखाएंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मस्जिद अयूब है और हम लोग पहले हिस्से से ही आगाज़ करते हैं और देखते हैं मस्जिद अयूब कैसी है। Thank you.
कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। हिजरत मक्का के बाद आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली और हजरत ज़ैद बिन हारिस के साथ मस्जिद नबवी के बनने तक आप ही के घर में तशरीफ़ फरमा रहे। आपको जहाद का बेहद शौक़ था और आपने तमाम गज़वात में शिरकत की। 49 हिजरी में जब कॉन्स्टेंटाइन पर हमला किया गया तो आप भी उस जंग में शामिल थे और उस वक्त में टोटल 4 हमले किए गए कॉन्स्टेंटाइन को फतह करने के लिए। इसी दौरान आप शदीद बीमार होकर यहीं फौत हो गए और आपकी वसीयत के मुताबिक आपको शहर की फसील के साथ ही दफन किया गया। ये आप जो खिड़की देख रहे हैं ये वो मुबारक जाली है जिसके अंदर आपकी कब्र शरीफ है और आप वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। कब्र मुबारक की ज़्यारत के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है और कुछ वक्त दिया जाता है। जब 15 से 20 लोग निकल जाते हैं और फिर नए 15 से 20 लोगों को एंटर किया जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आज ये मौका भी दिया है कि मैं सहाबी रसूल मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़्यारत करने जा रहा हूँ। मज़ार शरीफ में दाखिल होते ही उल्टे हाथ एक टेबल पर तबरकात मुकद्दसा रखी गई हैं। इनमें से एक दरख्त का पत्ता है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लगाया था और इसके साथ एक पत्थर का टुकड़ा रखा गया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करता था और आपसे हम कलामी किया करता था। इसके साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक रखे गए हैं। आपको यहाँ एक सब्ज़ रंग की टाइल का टुकड़ा भी नज़र आएगा। ये टुकड़ा रोज़ा मुतहरा पर लगी टाइलों का हिस्सा था। सामने जो आप काले पर्दे देख रहे हैं ये आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र पर लटकाए गए हैं और आपकी कब्र मुबारक को चांदी की चार दीवारी से कवर किया गया है। आपके मज़ार शरीफ पर कुरानी आयात की नहायत खूबसूरत खताती की गई है। मज़ार शरीफ के इस हिस्से में नाकाबले बयान सुकून है और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबको भी यहाँ आना नसीब करे। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे नियत ना। आपकी वफ़ात के तकरीबन 800 साल बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने जब कॉन्स्टेंटाइन को फ़तह किया तो उसने हुक्म दिया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहाबियों की कब्रें हैं तो उनको तलाश किया जाए। और एक बुज़ुर्ग थे हज़रत शाह शमसुद्दीन, उन्होंने ख्वाब में इस जगह पे नूर देखा और उन्हीं की निशानदेही पे इस जगह की खुदाई की गई। तो थोड़ी सी खुदाई के बाद आपके कब्र का कतबा जो है वो निकला और उसमें अबरानी ज़ुबान पर आपका नाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी लिखा हुआ था। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने इस पूरे इलाके को सुल्तान अय्यूब का नाम दिया और इस मज़ार के बेसिकली 3 अहाते बनाए गए। एक अहाते में मस्जिद अय्यूब है, दूसरे अहाते में कब्र अय्यूब है और तीसरे अहाते में कब्रिस्तान अय्यूब है। जी व्यूअर्स, अभी हम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार से बाहर आए हैं। मस्जिद में हमने 2-2 नफल भी पढ़े हैं और कब्र मुबारक का दीदार भी किया है। बिल्कुल जन्नत का बाग है और बहुत ज़्यादा सुकून मिला है अंदर जाकर, बयान नहीं कर सकते। अभी जैसे आप इस अहाते से बाहर निकलते हैं सामने एक बड़ी प्यारी छोटी सी फूड स्ट्रीट है और बैक साइड पे कब्रिस्तान अय्यूब है जहाँ पे एक औलियाए कराम और शहजादों की कब्रें हैं, उसका भी विज़िट करेंगे और दूर से इस मस्जिद का एक बास्ट शॉट लेंगे। ये कब्रिस्तान पहाड़ पर बनाया गया है और इसका रास्ता मुसलसल ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ भी कई तारीखी कब्रें मौजूद हैं। अय्यूब सुल्तान एरिया में शॉपिंग के लिए ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी और खाने के लिए बहुत शानदार टर्किश कज़ीन मौजूद है। इसके अलावा आपके दरबार से एक रास्ता पहाड़ की तरफ जाता है जहां से इस्तांबुल का सिटी व्यू होता है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी ये सब एक्सप्लोर करना बाकी है तो इसके लिए मेरे साथ रहें क्योंकि डिस्कवर टर्की सीरीज़ में अभी आपके लिए बहुत कुछ है।
मॉर्निंग एवरीवन। जी ये है हमारा वो रूम जहाँ हमने रात में ख्वाब खरगोश के मज़े लूटे, और उमर साहब अभी कपड़े इस्त्री कर रहे हैं अपने भी और मेरे भी। जी भट साहब, कैसे रही आपकी रात को, नींद ठीक आई आपको? वो हमारा सीन बड़ा ज़बरदस्त था, इतना थके हुए थे, मैंने तो कोई खराटे नहीं लिए क्योंकि मैं सुन रहा था तो लेकिन कपड़े ज़रा सही तरह से प्रेस करो यार, ये एक साइड ही करनी है मैंने, दूसरी साइड ही मुझसे होनी। लेट हम आधा घंटा हो गए हैं, नाश्ता ऊपर चल रहा है। तो बस रूफ टॉप पे नाश्ता है और सामने से समंदर का व्यू है। हाँ, और ये हमारे मॉडल, मेन्यू देखा आपने? लग रहा है। हाँ प्लेटर्स बने हुए है ना, बुफे सिस्टम नहीं है लेकिन ठीक है प्लेटर, मैंने ऑमलेट का भी कह दिया उनको। नाश्ते का हमारा सेटअप रेडी था, कुछ प्लेटर्स उन्होंने बनवा के रख दिए हैं जो बेसिक हैं, जिसमें दो किस्म के ऑलिव्स हैं, एक रोस्टेड ऑलिव्स हैं और दूसरे जो सिंपल होते हैं विनीगर वाले। साथ में चिप्स है, वो हमने साइड पे कर दिया है, सैलड है, फ्रेश सैलड है, और तीन चार तरह के इसमें जैम रखे गए हैं जी, टर्किश लिखी हुई है, जैम ही होंगे, और साथ में जो मज़ेदार चीज़ है वो है चीज, ये चीज साथ एक हमने ऑमलेट बनवा लिया है, और ये आपका मेरा नहीं है, साथ में जो है ब्रेड वो मज़ेदार चीज़ है, एक तो सिंपल ब्रेड है खाने के लिए, और दूसरी ब्रेड है जैसे हम टोस्ट नहीं बनाते, अंडे में थोड़ा सा हल्का सा स्पाइस डाल के उसको जो है वो सेक दिया गया, साथ में है किश्ती केक, इसको चिप भी लगाए हैं, साथ चिप्स है, ये मैंने देखा पहले कि नाश्ते में ये लोग फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है, मैश पोटैटो की फील आ रही है इसमें, पेपरोनी है ये जो पीले में भी लगी होती है, ये भी नाश्ते में पहली दफ़ा खा के देखते हैं क्या बनता है, और चाय और टर्किश टी, मिल्क टी, अच्छा टर्किश टी इज़ अ डिफरेंट थिंग, और मिल्क टी जो है वो डिफरेंट है, ये टी को मिल्क टी नहीं कहते, ये खाली कावा पीते हैं, तो वो आप ख़ुद भी बना सकते हैं। अभी ये प्लान है कि इनको खाएंगे, हेल्दी नाश्ता है, आज भी हमने काफ़ी चलना है, तो इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। बहुत ही कम मिर्च खाते हैं ये, ना होने के बराबर, हम पाकिस्तानियों को तो लगता है शायद ये खाते ही नहीं, लेकिन अच्छी बात है। एक में जी मक्खन है, दूसरे में जैम है, और तीसरे में शहद है, और ये पीछे ऑलिव्स हैं। अब ये चेक करेंगे कितना हेल्दी नाश्ता है ये। अच्छा ऑलिव भी बहुत सारी है ना, अब ये चेक करें कितना हेल्दी नाश्ता ये लोग कर रहे हैं, और हम लोग ऐसे नाश्ते के बाद हम कहते हैं अच्छा यार चार कुलचे और शरीफ भाई का शोरबा लेना, तरी ज्यादा। भाई देखें कितनी हम बात कर रहे हैं, ये आपने याद रखी है जो भाई आपको सारे मैसेज दे रहे हैं। अच्छा हाँ जी, इतने मोटे हो जाएंगे आप, जैसे कि भाई ने आपको बता दिया था वो पीछे वाले भाई ने कि हम लोग आज जा रहे हैं सुल्तान अहमद एरिया, हमने बेसिकली आज एक्सप्लोर करना है ग्रैंड बाजार भी, ग्रैंड बाजार भी और नुसरत भी। हाँ नुसरत किसी लड़की का नाम नहीं है, नुसरत स्टेक हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, आप हमें खुश ना हो। तो नाश्ता हमने कर लिया, तो सुल्तान अहमद एक्सप्लोर जो है वो आज हम एरिया कर रहे हैं, तो हमारे साथ जी
ये जो पीछे आप डोम देख रहे हैं ये वाला, ये जर्मन फाउंटेन है अब्दुलरहमान साहब, आप उधर से आए हैं आपको नहीं पता, ये जर्मन और तुर्क फ्रेंडशिप के तौर पे उसका एक मॉन्यूमेंट बनाया गया और ये 1898 में बनाया गया था। और आपको पता कि पहली जंग अजीम भी तुर्की और जर्मन ने इकट्ठे लड़ी थी। हाँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं जर्मन लोग भी देख रहा हूँ और जो हमारे फ्रेंड्स जर्मनी में हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे तुर्क बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो रेजिडेंसी है ना वो तुर्कों की है, तो इनकी बड़ी दोस्ती है मेरा ख्याल आपस में। साथ साथ पैराल एक छोटा सा बाज़ार चलता है जहाँ से आप सुवेनियर्स और छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकते हैं गिफ्ट के तौर पे। और आगे हम एंटर हो जाएंगे अब पार्क में जहाँ से हम तीनों अगली चीज़ें देखेंगे। अगर आप इस्तांबुल के टूर पर आएँ तो एक या दो दिन सुल्तान अहमद एरिया में लाजमी रुकें क्योंकि ज़्यादातर तारीखी मकामात इसी एरिया में हैं। ये अब्दुलरहमान साहब फुल टाइम एक्टिंग कर रहे हैं कि उन्होंने सिटी टूर करना है और फुल इंग्लिशें मार रहे हैं कि इसका क्या सीन है, इसका क्या सीन है, जाना ना किधरे भी नहीं। अगर आप इस्तांबुल के टूर पर आएँ तो एक या दो दिन सुल्तान अहमद एरिया में लाजमी रुकें क्योंकि ज़्यादातर तारीखी मकामात इसी एरिया में हैं। डिस्कवर टर्की सीरीज़ की पिछली एपिसोड में हमने आया सोफिया मस्जिद का विज़िट किया था और आज हम लोग जा रहे हैं तोपकपी पैलेस। आया सोफिया के दाएं हाथ अंदर जाने वाली सड़क सीधी तोपकपी जाती है, इसके अलावा अरास्ता बाज़ार से आने वाला रास्ता भी तोपकपी की तरफ जाता है। यहाँ आप वॉक करते हुए जाते हैं। ये बहुत ही प्यारा पाथवे है, यहाँ से आपको दरख्तों के पीछे से ब्लू स्काई नज़र आता है और दरख्त यहाँ पे बड़े डिफरेंट हैं और जब हवा चलती है तो दरख्तों की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। और ये आप मेन गेट से जब एंट्री करवा के निकलते हैं तो आपको मज़ीद 200-250 मीटर पैदल जाना होता है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं यहाँ पर से आपको टिकट लेनी है। तोपकपी पैलेस हम पहुंच गए हैं और तोपकपी की जो टिकट्स हैं ये 100 100 आप देख रहे हैं, ये 100 लीरा है, हमारा ख्याल था कि 72 लीरा होगी लेकिन हमें टर्किश क्योंकि पढ़नी ही नहीं आती वो 70 लीरा थी बच्चों की, तो मुझे तो मेरी मिल गई है 70 में क्योंकि मैं 30 से नीचे हूँ, अब्दुलरहमान साहब को जो है वो 40 से ऊपर है इसलिए 100 की मिली है। मेन एंट्री को इंपीरियल गेट कहा जाता है, ये तकरीबन 300 मीटर लंबी वॉक है जिसके दाएं बाएं खूबसूरत लॉन हैं जबकि वॉकवे पर खूबसूरत और कदावर दरख्त भी मौजूद हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब कॉन्स्टेंटिनोपोल को फतह किया तो उन्होंने सल्तनत उस्मानिया का कैपिटल भी यहीं शिफ्ट कर लिया और अपने रहने के लिए एक महल तामीर करवाया। तोपकपी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, पहला तोप जिसे हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं और दूसरा कपी, तुर्की ज़ुबान में कपी का मतलब दरवाज़ा है, मतलब तोप वाला दरवाज़ा। तोपकपी पैलेस सल्तनत उस्मानिया का 300 साल तक पैलेस रहा है जहां सुल्तान रहते रहे हैं, उसके बाद जो है दौलमा बादशाह पैलेस बना था जब सुल्तान साहब तंग आ गए थे कि अब ये चेंज कर देना चाहिए। और ये बिल्कुल आया सोफिया की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ है और यहां पे आने की 100 लीरा टिकट है। और आप क्यों इतने थके थके लग रहे हैं? आते साथ नुकसान हो गया हमारा, सिक्योरिटी ने ये मना कर दिया कि आप अंदर ट्राईपॉड नहीं भी जा सकते, हालांकि वो बड़ी छोटी सी ट्राईपॉड थी, मोबाइल को सिर्फ स्टेबलाइज़ करती थी, इन्होंने वो भी छीन लिया हमसे। कोई नहीं, वापस मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ख़ज़ाना है सुल्तान के जो चीज़ें रही हैं इस्तेमाल में, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इस्लामिक हिस्ट्री रिलेटेड, तो इंशाल्लाह। और कुछ पे पाबंदी भी है, अच्छा कुछ पे पाबंदी भी है, आपने शूट नहीं करना उसको, लेकिन कोशिश करेंगे जो हो सकता है उनको हम करें, तो साथ रहिए और देखते रहिए।
पैलेस का ये हिस्सा स्टडी रूम हुआ करता था। यहाँ अब भी पुरानी किताबों के नुस्खे मौजूद हैं। यहाँ एक मुअल्लिम को पढ़ाते हुए भी दिखाया गया है। तोपकपी पैलेस इतना बड़ा है और इतना डाइवर्स है कि आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे आपको चाहिए अगर आप जल्दी जल्दी भी चीज़ें देखते हैं। और यहाँ के 4 बड़े इसके लॉन हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पे 4,000 लोग रहा करते थे बादशाह जब यहाँ पे रहता था, तो उनके मुलाजिम वज़ीर मुशीर पूरी काबीना थी वो 4,000 लोगों की थी। तो उसके मुनासबत से ये तोपकपी पैलेस बनाया गया था और वाकई बहुत ही शानदार खूबसूरत बिल्डिंग है। ये 17वीं सदी के सलातीन के इस्तेमाल में रहने वाला तख्त है और इसके पीछे उनका बेड पड़ा है। होली रेलिक्स के हिस्से में वीडियो बनाना सख्ती से मना है, वरना मैं लाजमी आपको अंबियाए कराम और सहाबा कराम के इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें दिखाता। तोपकपी पैलेस में हम इस वक्त होली रेलिक्स जो अपार्टमेंट है उसके बाहर खड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमने अभी काफ़ी सारे प्रॉफिट्स की जो बिलोंगिंग्स हैं वो देखी हैं, जिसमें हज़रत दाऊद की तलवार है और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लगी हज़रत मूसा का आशा यहाँ पर पड़ा हुआ है और हज़रत इब्राहिम का कटोरा भी देखा हमने यहाँ पर, और इसके अलावा और हज़रत यूसुफ की पगड़ी भी थी यहाँ पर, और हज़रत याहिया का केस भी था हाथ का जो तलवार। इसके अलावा सहाबा कराम की माशाल्लाह बिलोंगिंग्स थी यहाँ पे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत जाफ़र बिन तैयार, हज़रत अमार बिन यासिर और भी सहाबा कराम, उनकी तलवारें हमने देखी हैं माशाल्लाह। और नबी पाक का कटोरा मुबारक देखा जिसमें आप पानी पीते थे, आपके मुँह मुबारक, आपकी दाढ़ी के कुछ बाल केसेस में इन्होंने रखे हैं, प्रिजर्व किए हुए हैं। आपको स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आप उसकी वीडियो नहीं बना सकते, हमारी बड़ी कोशिश थी कि हम बना सकें। बंदा इसमें एंटर होता है और निकलते निकलते बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। आप यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश्शहदा उनका आप अमामा देखते हैं और जुब्बा देखते हैं, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो है एक जो अबाया था वो भी यहाँ पे रखा गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना काबा की चाबियाँ जो उस्मानी दौर में 16वीं सदी में 15वीं सदी में रही हैं, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जहाँ पे रखी गई हैं। ये अगर आप इस्तंबुल आते हैं तो आप लाजमी होली रेलिक्स वाला जो है ना पार्ट लाजमी इसको विज़िट करें। सुल्तान के दौर में इस कमरे का इतना तकद्दस था कि साल में सिर्फ एक दिन सुल्तान की फैमिली को जहाँ पर जाने की इजाज़त थी, 15 रमज़ान या 20 रमज़ान वाले दिन साल में सिर्फ एक दिन उनको मिलता था कि वो इन चीज़ों की ज़्यारत करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ग्रिप ऑन ट्रिप में डिस्कवर टर्की सीरीज का ये सफर अभी जारी है और खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, ट्रिप में आज हम जा रहे हैं आया सोफिया मस्जिद जो इस्तांबुल के सुल्तान अहमद एरिया में वाक़या है। सुल्तान अहमद का एरिया इस्तांबुल का अहम तरीन इलाका है क्योंकि यहाँ पर आया सोफिया के साथ ब्लू मॉस्क और तोपकपी पैलेस भी है। इसके अलावा ग्रैंड बाज़ार
और एमिनोनो का इलाका भी सुल्तान अहमद के बिल्कुल साथ है। सुल्तान अहमद जाने के लिए मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और यह आपको इस मस्जिद के बिल्कुल सामने ड्रॉप करती है, जबकि फेरी के ज़रिए एमिनोनो से पैदल चलकर भी सुल्तान अहमद पहुंचा जा सकता है। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो अस्कराय का स्टॉप आपको नज़दीक तरीन रहेगा। अगर आप इस्तंबुल आए हैं तो सुल्तान अहमद के एरिया में एक दो दिन ज़रूर गुजारें। मैं अभी स्टैनपोली होटल में रुका हुआ हूँ। यहाँ एक रात रुकने के $27 चार्जेस हैं और जिसमें हम दोनों लोगों का नाश्ता भी शामिल है। होटल से हमारा आया सोफिया का फासला सिर्फ 300 मीटर है, तो चलें फिर आज वॉक करते हुए आया सोफिया मस्जिद देखते हैं। आया सोफिया मस्जिद से पहले एक छोटा सा खूबसूरत बाजार है जहां गिफ्ट शॉप और रेस्टोरेंट्स हैं। हेलो, इस वक्त मैं आया सोफिया के आगे खड़ा हूँ। रिसेंटली इसे म्यूज़ियम से मस्जिद तब्दील कर दिया गया है और आज हम जाएंगे इसके अंदर। पहले इसमें अंदर जाने की टिकट थी और अब इसे फ्री कर दिया गया है क्योंकि ये मस्जिद बन गई है, और साथ बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की और देखेंगे इस वक्त इसकी क्या कंडीशन है क्योंकि इसकी रिस्टोरेशन भी साथ साथ चल रही है और बहुत ज़्यादा लोग इसे विज़िट कर रहे हैं। ये इमारत 300 सदी ईस्वी में बनाई गई, मतलब आज से तकरीबन 1750 साल पहले, और 1000 साल तक ये दुनिया का दूसरा बड़ा चर्च रहा। और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब इसको फ़तह कर लिया तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया मस्जिद में। फिर मज़ीद अगले 500 साल तक ये जो मस्जिद के तौर पे यूज़ हुई आया सोफिया, और 1930 में कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क ने इसको चेंज करके म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया। अब रिसेंटली तैयब उर्दगान की हुकूमत में इसे दोबारा मस्जिद में रिस्टोर किया गया है। सुल्तान अहमद ने जब इस शहर को फतह किया तो इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपोल से बदलकर इस्तांबुल रखा और हैगा सोफिया या हैगिया सोफिया का नाम बदलकर आया सोफिया मस्जिद रखा। ये बाप पीछे जो मेरे भाई देख रहे हैं, माशाल्लाह ये अपनी नौयत के पहले टूरिस्ट देखे हैं जो पाकिस्तान से सिंगल आए हुए हैं। कोई साथ बंदा नहीं लाया, क्या चक्कर है? कमीशन था? नहीं नहीं, बस एंजॉयमेंट। अच्छा, अकेले एंजॉयमेंट करेंगे? वेरी गुड यार, कुछ लोग होते हैं उनसे अकेले खाना नहीं खाया जाता। है चले भाई, इस्लामाबाद से आए हुए हैं। कितने दिन का टूर है आपका? तीन दिन का। जबरदस्त, इस्तांबुल आप एक्सप्लोर करोगे? चले जबरदस्त जबरदस्त। आया सोफिया में जाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है पहले, और काफ़ी लंबी लाइन है। ये लोग कुछ टाइम के लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल है जिनको एंट्री देते हैं, देन फिर अगलों की बारी आती है। ये हमारी लाइन है, वो आगे तक आप देख रहे हैं, लेकिन यह है कि वन गो में ये 100 के करीब लोगों को एंटर करवा देते हैं अभी जो लोग गए हैं। तो अब नेक्स्ट टर्न में इंशाल्लाह हमारी बारी भी आ जाएगी। मेन गेट से एंटर होते ही उल्टे हाथ एक खूबसूरत सी छोटी इमारत है, ये वुजू खाना है। वुजू करते हुए कुछ इंडियन दोस्तों से बातचीत हुई। ये लोग स्टूडेंट्स हैं और इस्तांबुल में पढ़ रहे हैं। आज भी हम बात करते हैं इलाहाबाद की, जो एक बहुत बड़े शायर जो गुजरे हैं, अकबर इलाहाबादी, आप उसको कैसे चेंज करेंगे? तो लोगों के जहन से नाम जल्दी नहीं जाती नहीं। इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि मैं इस लाहौर में जिस इलाके में रहता हूँ उसका नाम है कृष्ण नगर, ठीक है, उसके साथ है संत नगर, और जिस ग्राउंड में हम खेलते रहे बचपन से उसका नाम है नेहरू पार्क।
तो हमारे वहाँ पे सारे नाम जो है ना, मुंगिया स्ट्रीट है, वहाँ पे प्रेम नगर है, राजगढ़ है ना अब्दुलरहमान, और भी इस तरह की जितनी सारी हिंदू जो है वो घर बहुत ज़्यादा वहाँ पर, बहुत सारी जगह मैंने मतलब यूट्यूब या क्या नाम है फेसबुक वगैरह पे और भी न्यूज़ पे मैंने देखा है कि मतलब पाकिस्तान में बहुत सारी जगह है जो हिंदुओं के नाम पे है, लेकिन अभी तक बरकरार है। चले भाई, हमारा जो मैसेज है वो लव एंड पीस है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह सही सलामत रखे। मस्जिद में नमाज के वक्त औरतों का दाखला मना है और हाल में जाने के लिए सर समेत पूरे जिस्म का ढका होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी कोर्ट ऑफ एथिक्स एंट्री के वही हैं कि फॉरनर्स को अलहदा से चादर दी जाती है कि वो अपना जिस्म को ढांप लें, या मेरे पीछे देख भी रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एंट्री के लिए उसी तरह से जूते बाहर रखने हैं और जराबें पहननी हैं आपने। नंगे पैर आना भी मर्दों के लिए भी वो अलाउ नहीं है। तो बस इसको देखते हैं, चल के एक्सप्लोर करते हैं, इनकी दीवारों को देखते हैं। ये तकरीबन 1750 साल पुरानी दीवारें हैं। खुला है सभी के अल्लाह, क्या ही खूबसूरत आलीशान इंटीरियर है। इससे ज़्यादा हसीन खताती और क्या हो सकती है। तुर्क वैसे भी अपनी खताती में मशहूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की दिली ख्वाहिश भी पूरी हो गई। ज़्यादा टफ टाइम नहीं देने दिया भाई को,
मैंने पहले हाथ ही उसे छीन ली थी, उसे पता लग गया था। चल गया था भाई की ग्रिप अच्छी है। ग्रिप ऑन ट्रिप पहुंच चुका था इसलिए हमने फटाफट ग्रिप किया। अच्छा, इनकी आइसक्रीम थोड़ी हैवी है, हमारी आइसक्रीम लाइट की तरफ होती है। इसमें थोड़ी चीज़ टाइप मुझे फील हो रही है, बास्किन रॉबिन की भी इसी टाइप की होती है, लेकिन मज़े की है। डिफरेंट है, हमने लिया वनीला और चॉकलेट, और मैंने ज़्यादा लिंक किए तो ये लाइन नीचे भी जा सकती है। अच्छा, पहली दफ़ा भाईजान मुझे को मिले हैं जो मेरे व्लॉग देखते हैं। और आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम वापस यूके ही जा रहे हैं, यूके से आए हूँ। ओके ओके, यूके ही जा रहे हैं, फिर उसके बाद एक वीक के बाद पाकिस्तान जाने वाला। अच्छा अच्छा, चलो तो कैसे लगते हैं आपको व्लॉग हमारे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। चलो, बड़ी खुशी हुई आपसे। आपसे भी करके मुझे बहुत खुशी। ओके, अब्दुलरहमान साहब, मैं एक नतीजे पर पहुँचा हूँ। लाइफ लाइफ बड़े ही सुकून में है यहाँ पे, और उसकी जो मुझे सबसे बड़ी रीज़न लग रही है ना, वो ये लग रही है हर बंदा अपने काम से काम रखता है। कि मुझे ये भी है कि लोग एजुकेटेड हैं। मैंने अभी तक जितने भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है, ख्वाह वो होटल वाले हैं, ट्रैम पे हैं, जो टूर ऑपरेटर हैं, सब ने बहुत ज़्यादा हमें रिलैक्स किया। किसी ने भी कोई तंग नहीं करने की कोशिश की, कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की, बड़े रिस्पेक्ट और बड़े अच्छे तरीके से बात की। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है टूरिज़म इंडस्ट्री का जो हमने यहाँ फील किया। हाँ जी, पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि सीज़न में सवात में और मरी में ख़ास तौर पे क्या होता है, नरान में, तो ये तो कंट्री ही अपना मेजर रेवेन्यू उनका पार्ट है जो टूरिज्म से आता है, और उनके रवैये और इनकी जो प्रैक्टिसेज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। आया सोफिया की ये एपिसोड आपको कैसी लगी, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम, आज लोग हम इस्तांबुल से कर रहे हैं फ्लाई अंतालिया के लिए। तो इस्तांबुल में हमने 4 दिन गुजारे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त बिजी स्केड्यूल रहा है। इसमें हमने ट्रैवल भी किया, हम साउथ भी गए, प्रिंसेस आइलैंड भी गए, और इस्तांबुल में फिरते रहे। और अब हमने चिल करने का प्रोग्राम बनाया है, ट्रैवल को थोड़ा कम करेंगे और अंतालिया और पामों को ले जाएंगे। वहाँ पर हमने होटल्स भी अच्छे किए हैं ताकि हम होटल में भी स्टे अच्छा कर सकें, और साइट सीइंग के लिए भी हमने जगह अपनी शॉर्टलिस्ट कर ली है। बहुत ज़्यादा दिमाग खाया था हमने रात में अपने होटल के ओनर का, और उसने हम काफ़ी अच्छा गाइड भी किया। सो लेट्स सी कैसा रहता है हमारा वहाँ का सफ़र। तो आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अंतालिया, और एयरपोर्ट जाने के लिए हवा बस के स्टेशन पहुँचे हैं जो कि तकसीम स्क्वायर में वाकया है, और हमारा होटल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सबिया गोरचन एयरपोर्ट का किराया 25 टर्किश लीरा है, और अगर आप टैक्सी से जाएंगे तो कम से कम 200 टर्किश लीरा आपको अदा करना होगा। ग्रिप ऑन ट्रिप की डिस्कवर टर्की सीरीज में इस्तांबुल में 4 दिन गुजारने के बाद आज हम ट्रैवल कर रहे हैं अंतालिया, जो तुर्की की मशहूर और बहुत ही मारूफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए टिकट परचेज किया है, और टिकट हमें मिला है $22 का, जो कि बहुत सस्ता है। सबिया गोरचन एयरपोर्ट नेशन वाइड फ्लाइट्स को 70-80% डील करता है। अगर आपने तुर्की के अंदर रहते हुए कहीं जाना है तो आपको सबिया गोरचन एयरपोर्ट आना पड़ेगा। टैक्सिम स्क्वायर से ये बस चलती है हवाई, जो कि अतातुर्क से भी चलती है, और हम इतने डरे हुए घबराए हुए थे, हम 3 घंटे पहले पहुंच गए हैं, लेकिन कोई नहीं, एयरपोर्ट इनके काफ़ी बिजी और बड़े होते हैं, बंदा वहीं पे इजी कर लेते हैं। और जब हम टिकट लाइन में खड़े हुए थे तो 2 टैक्सी वालों ने हमें घेरने की कोशिश की। हाँ, ब्रिज टूटा हुआ है, ट्रैफिक बहुत ब्लॉक है, बस लेट आ रही है, तो आ जाओ 100 लीरा में आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन हम साबित कदम रहे और 1 घंटे में इसी बस में पहुँचे। तो ये है जी सबिया गोरचन का एयरपोर्ट, इंशाल्लाह वापस भी हमारी तालिया पामों के लेके बाद इधर से ही होगी इंशाल्लाह। Dear passengers, maintaining social distance and lütfen maskenizi çıkartmayınız ve tüm işlemleriniz sırasında. सबसे मज़ेदार आपको बात बताऊँ क्या है, दुनिया मर्जी गल्ला करो किसी को कोई समझ नहीं लगता है।
तो जो आप सोचते हैं वह बोल भी सकते हैं यहाँ पे। ये एक आज़ादी है यहाँ। अंतालिया हम लोग पहुंच गए हैं। 55 मिनट की फ़्लाइट थी अभी, ये अगर मैं बस पे आता तो 10 घंटे का सफ़र था जो कि मेरा 50 मिनट में हो गया। मुझे $22 की टिकट मिली है जो कि बहुत सस्ती है। लाहौर से कराची जितना इसका डिस्टेंस है और 3,800-3,000 रुपये की ये टिकट बनती है। टैक्सी वाले वैसे हर जगह तंग करते हैं, मैंने हिसाब लगाया है। हमारे पास लेकिन हवास बस वाली ऑप्शन है, मेरे एक दोस्त ने मुझे लास्ट ईयर बताया था। अच्छा जी, सीन यहाँ पर भी वही है। अंतालिया एयरपोर्ट से उतर के आप जैसे वहाँ पे हवा ईस्ट बस थी, यहाँ पे हवास बस है। ये मैंने आपको दिखा दिया, ये मेरे पीछे खड़ी हुई है। इसके ऊपर जितने भी आपके एरियाज़ हैं वो लिखे हुए हैं अंतालिया में, जहाँ जहाँ ये जाती है। इसका एक आसान हल ये है कि आप अपने होटल की जो आपने बुकिंग करवाई होती है आप उसका नाम लिख के देख लें, ठीक है, या उसका करीबी ख़ुद भी आपको गाइड कर देते हैं। और इसके लिए मेट्रो कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है, आप वैसे भी टिकट ले सकते हैं। एसी के एरिया में उतारा है और हम लोग आगे से 25 टर्किश लीरा की टैक्सी करा के होटल पहुंच गए हैं। $25 का होटल बुक किया है और इसमें हम दोनों का नाश्ता भी शामिल है। कलेसी अंतालिया का ओल्ड एरिया है, जैसे वॉल्ड सिटी होती है, यहाँ पे किले, पुरानी मस्जिदें। तो अपने कमरे में हम पहुंचे हैं। बड़ी ही ज़्यादा ट्रैफिक थी, कराची लाहौर इस्तंबुल की ट्रैफिक को भुला दिया है अंतालिया की ट्रैफिक में। और इस वक्त सर भी घूम रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं किया लेकिन ट्रैफिक ने काफ़ी काम ख़राब किया, खज्जल बहुत हैं। हाँ, वैसे तो प्रोग्राम था सामने की यार्ड लिमानी, बड़ी प्यारी जगह है वो। अब हम कल ट्रिप से वापसी पे वहाँ पे जाएंगे। अंतालिया की मेजर अट्रैक्शंस की बात करें तो कुनियालती बीच, यार्ड लिमानी, अंतालिया एक्वेरियम, अपर और लोअर डूडन वाटरफॉल, मार्क अंटालिया, लैंड ऑफ लेजेंड्स और केबल काल की अट्रैक्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा हाइकिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए भी हैवी निज़ाम मौजूद है। भाई सारा खा गए हो? भाई छोड़ते नहीं है, शैतान खा जाता है। अब ये ना कहना कि खा, हाँ खा रहा है। तो आज हम कहाँ आ गए? अनातोलिया, अंतालिया। अंतालिया इनकी सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है आफ्टर इस्तंबुल। आज के प्लान में जी अंतालिया का डे स्टार्ट हुआ फर्स्ट। दो यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, टोटल यहाँ पे 3 वाटरफॉल्स हैं। दो वाटरफॉल्स का नाम डूडन है, डूडन वाटरफॉल। एक है नेचुरल जो कि मेडिटेरेनियन बहरी ओकियानूस में गिरती है, और दूसरी है, बड़ा मुश्किल नाम है, मेडिटेरेनियन बहरी ओकियानूस, सीधा सीधा मैं बोल देता हूँ। और दूसरी डूडन वाटरफॉल है जो पार्क के अंदर है, और तीसरी है कुरलुसुंजन ये वाली वाटरफॉल। और साथ हम जाएंगे केबल कार के, केबल कार लेंगे और जाएंगे सिटी व्यू पॉइंट के लिए पहाड़ के ऊपर। तो आज का दिन इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा। ये हमारी गाड़ी आ गई है, हमने आज सिटी टूर बुक किया था। फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारी स्टार्ट हो गई है। ये क्यू लगी हुई है केबल कार के लिए। अंतालिया में 3 केबल कार हैं जो, एक तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है
और दूसरी जो सिटी सेंटर के पास है मैं इस वक्त वहाँ पर खड़ा हुआ, और तीसरी इनकी है जो 2 किलोमीटर लंबी है, और यहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी है। यहाँ से हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन स्टार्ट हो रही है और पहाड़ जो है वो काफ़ी ऊंचा है, और वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं हम यहाँ इसके ऊपर जाएंगे और सिटी व्यू करेंगे यहाँ से चल के। लाइन में लगने के बाद बारी आ गई है, बस मंदिर के करीब पहुँच गए हैं हम, बड़ी गर्मी में खड़े हुए हैं। My recommendation, to be honest, go for like some very unique destinations in Turkey. Like for example, have you been to the rafting? The trail can take you to the peak and you can take... How long will it take to go there? डर लग रहा है भाई आपको? हाँ, इसलिए मैंने अलग लगा लिए। ये 15 मिनट की इसका टोटल ट्रेवल टाइम है 15 मिनट, और यहाँ से आपको पूरा मेडिटेरेनियन सी आपको नजर आता है। देखिए मैंने बोलना सीख लिया, बहरे ओकियानूस मैंने छोड़ दी। यहाँ से माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त नजारा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका भी दिया हमें देखने का। और अब जो मेरे आप बैक पे देख रहे हैं, अंतालिया सिटी हमसे दूर जाती जा रही है और नीचे होती जा रही है, और हम ऊपर जाते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं हवाओं में। ऊपर जाएंगे, ऊपर हमारे जो ट्रैवल गाइड है वो हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे, देन फिर वी विल थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एरिया को, और फिर हम वापस आके अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे निकलेंगे। एंड यू कैन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो देयर? लाइक डे ट्रिप, गो देयर इन द मॉर्निंग, कम बैक इन द इवनिंग। कैंटापे टॉप पर पहुंचकर गाइड ने हमें तमाम ज़रूरी मालूमात दी जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग थी, साथ में एक टाइम फ्रेम भी दिया कि इतनी देर में हम वापस निकलेंगे। वैसे मेरा ये मानना है कि आप किसी भी नई जगह जाएं तो गाइड को लाजमी साथ रखें, क्योंकि वही आप इस जगह के बारे में मालूमात देता है जो वैसे आप नहीं ले सकते। यहाँ पे भी हमने तुर्की की सिम ली हुई है, तो हमें हेलो 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 इंग्लिश प्लीज, इट्स रॉन्ग नंबर आई थिंक, रॉन्ग नंबर आई थिंक। अरे तुर्की अपना उधार वापस मांग रही है। ये देखें फ्रेंड्स, हमें तुर्की में भी जो है वो रॉन्ग नंबर आ रहे हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती, और मैं ये सोच रहा हूँ मैं किसी से पैसे तो नहीं देने आते थे नहीं यार। कैंटापे का व्यू पॉइंट बहुत ही शानदार है, यहाँ से आपको अंतालिया शहर के सारे लैंडमार्क्स और फेमस बीचेस नज़र आते हैं। ये जो पीछे आप माउंटेंस देख रहे हैं इसका नाम है जी थायरोक्स माउंटेन, ग्रीक वर्ड है, रोमन एम्पायर यहाँ तक थी इस एरिया में, और यहाँ पे रोमन रेलिक्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे अक्सर चीज़ों के नाम जो हैं वो ग्रीक लैंग्वेज में है। थायरोक्स का मतलब है जी लोमड़ी, ऑक्स। तो इस पहाड़ की 2 घंटे की ट्रेल भी है, और यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है, और 1 घंटा मजीद आगे जाएँ तो एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पर आप नहा भी सकते हैं। और अब हमारी अगली डेस्टिनेशन है अपर डूडन वाटरफॉल। अच्छा जी, तो सेकंड डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं डूडन वाटरफॉल, अपर डूडन वाटरफॉल। ये एक पार्क है बहुत प्यारा सा, और जहाँ पे वाटरफॉल है, तो हमारे जो टूरिस्ट गाइड हैं वो हमें बता रहे हैं, तो वो उनसे बातें पूछते हैं कितना टाइम है, लंच का क्या प्रोग्राम है, उसके बाद निज़ाम अपना बनाते हैं। ये एक केव का रास्ता है,
पहाड़ के अंदर से इन्होंने बनाया हुआ है या शायद नेचुरल है। यहाँ से गुजर के आपको जाना होता है, बड़ा तंग सा रास्ता है। चलो एक्सपीरियंस करते हैं ये वाला। वाटरफॉल एक्चुअल बहुत खूबसूरत है और बड़ी ही वेल मैनेज है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है हमारे लिए यहाँ आ। दूसरा वॉकअवे के साथ साथ इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और इतनी वैरायटी ऑफ ऑप्शन है कि आप कहीं पर भी बैठ के इस सैनिक व्यू को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी तो हमने हाफ किया है एक्सप्लोर और मज़ीद हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हम ब्रिज पर खड़े हैं और लोग वेट कर रहे हैं। यार वैसे इतनी कोई खूबसूरत जगह है ये माशाल्लाह। मेरा जो प्लान मिस हो गया था कुरसुनलोशो वाटरफॉल का, अब मुझे उसका बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा। पहले मुझे ठीक है यार मैंने वहाँ पे भी जाना है, लेकिन वो बता रहे थे कि वहाँ पे डैम बन गया है इसलिए वाटरफॉल ख़त्म हो गई है। तो कोई मसला नहीं है, डूडन पे आके पैसे पूरे हो गए हैं। सब क्या सोच रहे हैं आप? यार इन्होंने एक्सेसिबिलिटी की इंतहा कर दिया। आप मतलब इस वाटरफॉल के ऑलमोस्ट 360 पे फिर सकते हैं। इतनी ज़्यादा वेरिएशन है और इतनी ज़्यादा ऑप्शन है इस छोटी सी जगह पे कि मज़ा आ गया। और इसकी गहराई के बारे में क्या ख्याल? आपको पता है कि अपर डूडन वाटरफॉल की साथ जो मलिका झील है इसकी आज तक कोई गहराई नहीं जान सका। ये एक ऐसा झूठ है जो हम जहाँ जाते हैं सुनते हैं। यहाँ पे किसी ने ये बात नहीं की, लेकिन हम जब पाकिस्तान में जाते हैं किसी भी झील किसी नहर से भी गुजरे कहते हैं इसकी तक गहराई नहीं पता चलती। बस कर दियो, बस कर दियो। ये बहुत ही प्यारी जगह है और जो कैंटीन है दरख्तों के अंदर बनी हुई है और मैं अपने खाने की सुपरवीजन करने पहुंच गया हूँ एज यूजल। वो कहेंगे बड़े भूखा है, लेकिन मैं देखना चाह रहा था इनका किचन और इनका निज़ाम कैसा है। और निज़ाम ऐसा है,
आज के इस एपिसोड में हमने कैंटेपे केबल कार और अपर डूडन विजिट की। अंतालिया का भी ये ट्रिप जारी है, जिसमें अभी हमने यॉट लिमानी और लोअर डूडन का सफर अभी करना है। तो साथ रहें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको इस्तांबुल के अलावा तुर्की का कौन सा शहर पसंद है। ग्रिप ऑन ट्रिप की डिस्कवर टर्की सीरीज में मेरा अंतालिया का सफर जारी है और आज मैं इस ट्रिप का दूसरा हिस्सा पेश कर रहा हूं। पार्क में जब आप एंटर हो जाते हैं तो रास्ता बना हुआ है आपका ना आगे आने का, जहाँ से व्यू पॉइंट है। और शुरू में जब आप अगर खड़े हो जाएंगे तो आपको ये आबशार जो है वो सारी नज़र नहीं आएगी, तो आपने मैक्सिमम डेड एंड पे आ जाना है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। इसमें एक अट्रैक्शन जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपका जो सामने से समंदर स्टार्ट हो जाता है वहाँ से आपको कोई आइलैंड नज़र नहीं आ रहा। नहीं तो नॉर्मली होता ही है, मैंने जो अभी तक समुंदर देखे हैं वो इतने वाइड ओपन नहीं होते, सामने कुछ ना कुछ होता है, जहाज़ होते हैं, कोई पोर्ट होती है, कोई आइलैंड होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही ओपन है। ओहो हो सुभान अल्लाह, वो सही समुंदर जो कहते हैं ना कि माइटी जो वर्ड है वो फील होता है यहाँ पे आके कि वाकई सुभान अल्लाह। ये देख लें जी, सिर्फ हम लोग ही जो नहीं है जो कानून तोड़ते हैं, है सारे गोरे वेख लो, है कम वेख लो उन्होंने, टप टप के उधर गए ने। और वहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं कि इस रेलिंग को आपने क्रॉस नहीं करना, एक और चली जाए और गई शरादी। देखें जी तो थोड़े से ईजी हो जाए, सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं। ये देखें, ये बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ से बड़ा ख़तरनाक है यहाँ से उस साइड पर जाना, लेकिन जा रहे हैं। इस वाटरफॉल के व्यू पॉइंट के अलावा भी इस पार्क में बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह बनाई गई हैं, जहाँ पे आप वाटरफॉल नहीं भी देखना चाहते तो ये जैसे आप सामने स्टेडियम सा देख रहे हैं, ये जो सामने आप सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे सीटिंग है, आप सामने समुंदर को एंजॉय कर सकते हैं, और ये पीछे लॉन है बहुत प्यारा और उसके पीछे कार। लोअर डूडन वाटरफॉल में जिप लाइन की सहूलत भी दी गई है, जिसकी टिकट 40 टर्किश लिरा है। यहाँ पे फेंस लगी हुई है, पीछे जो दरिया में खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर कोई दरिया में गिर जाता है तो आगे फेंस है जहाँ पे आके वो खुद ही रुक जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल और सेफ टूरिज्म को भी ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं, और ये कोई मैं बुरी बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी मैंने कभी कोई चीज़ देखी नहीं है। तो अगर वहाँ पे खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इवेंट हो जाए तो उन्होंने कहना था कि वो लिखी आज थी, तो सेफ टूरिज्म भी एक चीज़ है भाई जो यहाँ पे आके पता चल रही है। Thank you.
लॉर्ड वुडन वाटरफॉल करने के बाद अब अंतालिया ओल्ड सिटी करने जा रहे हैं, जहां ट्रिप गाइड हमें ड्रॉप कर देगा और हम होटल जाने से पहले शदीद किस्म की आवारागर्दी करेंगे। अंतालिया ट्रिप में हमने कैंटेपे केबल कार और अपन डूडर वाटरफॉल विजिट कर ली थी। आज इस एपिसोड में हम लोअर डूडन वाटरफॉल, अंतालिया का बाजार, यॉट लिमानी और कलेजी का एरिया एक्सप्लोर करेंगे। डूडन वाटरफॉल, जो लोअर डूडन वाटरफॉल है वो हमने कर लिया है और अब हम वापस आ गए हैं पुराने एरिया में, कलेजी में। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। आप अगर अंतालिया में आते हैं तो आपको यहाँ ठहरना चाहिए। ये ओल्ड सिटी एरिया है और इन्होंने सारे का सारा टूरिज्म के लिए मुझे लगता है कि वक्फ कर दिया है। और यहाँ पर इतने आपको फॉरनर्स नज़र आते हैं और इतने टूरिस्ट नज़र आते हैं और आपको आपके मुल्कों के लोग भी बहुत मिल जाते हैं और एक एक गली, एक एक घर, एक एक दीवार जैसे इसका ख्याल रखा गया है। और जिस सड़क पे हम चल रहे हैं, इस सड़क पे बंदा वैसे ही चलता रहे एक आधा पौना घंटा तो पता ही नहीं चलता। बेस्ट पार्ट ये है कि ये इलाका, ये जो एरिया है अंतालिया का, ये इन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से रखा हुआ जिस तरीके से एंशियंट टाइम में होता था, उसको उसी बेस पर बिल्ड किया हुआ और उसी तरह से मेनटेन किया हुआ, इसलिए यहाँ पर फॉरनर्स की बहुत ज़्यादा तादाद भी आती है। तो अब हमारा अगला, आज के ट्रिप में अगला हमारा प्लान है जी यॉट लिमानी का। यॉट लिमानी के करीब ही हमारा होटल है और जो लोग भी अंतालिया आना चाहते हैं वो कलेजी, बोलने में कलेजी है और लिखने में कलेची है, KLEICI, ये मैं लिख भी रहा हूँ। आपने यहीं पर रुकना है क्योंकि हमारा गाइड भी हमें बता रहा था कि आपकी सिलेक्शन है ना जो होटल की वो बहुत अच्छी है, कलेजी के अंदर आगे यॉट लिमानी जगह है जिसे आप अट्रैक्शन में डाल के अपना होटल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह यॉट लिमानी चलते हैं। अच्छा जी, यॉट लिमानी पहुंच गए हैं और इस्तांबुल आके फील नहीं हुआ था लेकिन अंतालिया आके फील हुआ कि बंदे को अकेले नहीं आना चाहिए क्योंकि हर जगह आपको अकेले जाने नहीं देते और कहते हैं कपल के साथ एंट्री है, हालांकि हमने बड़ी दफ़ा कह रहा हम दो ही हैं तो लेकिन वो नहीं मान रहे। हाँ, तो फिर वो नहीं माने तो फिर हम मान के तो नहीं जाते। हाँ, यहाँ पर पहली दफ़ा सूरज थोड़ा सा कम है अभी क्योंकि अब शाम होने वाली है, कोई आधे घंटे में हो जाएगी। आपको भी सीन्स भी दिखाते हैं, बड़ा अच्छा सनसेट है यहाँ, सनसेट के। हाँ, और यॉट लिमानी का व्यू इस टाइम बहुत अच्छा है, हमने टॉप व्यू भी अभी लिया है और यहाँ पे भी अभी हम कुछ पिक्चर्स वगैरह खींचे हैं, कुछ वीडियोज भी बना रहे हैं। यहाँ पे आपको यॉट्स मिल जाती हैं छोटी छोटी, आप इससे आपको टाइम वाइज मिलता है, यहाँ पे उनके रेट्स भी लिखे हुए हैं। अभी बहुत ही प्यारा एरिया है, इस वक्त हवा चल रही है, कल यहाँ पे रात को हम आए थे तो हवा नहीं चल रही थी और अब्दुलरहमान मुझे बोलने लग गया, बढ़िया तो तारीफ़ की सन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम आज अच्छा हो गया हमारा फाइनली और अभी थोड़ा सा सूरज और पीछे जाता है ना तो फिर और अच्छा हो जाएगा निज़ाम।
आपको पता है निज़ाम का अच्छा होना बहुत बेहतर है। यॉट लिमानी की हमने ग़ुरूब आफ्ताब देख ली है और अब हम लोग अंधेरा होने तक यहीं पर रहेंगे और फिर हम जाएंगे बाज़ार और वहाँ पर हम कुछ खाएंगे, सस्ता वाला खाना। अभी सीन ये है कि हमारे पास थोड़े से पैसे रह गए हैं, क्रेडिट कार्ड हमारा चला नहीं, तो आखिरी दिनों में ख़र्चा तो खैर हमने नहीं रोका, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा हिसाब ये लगाना है कि हमारा कैश ख़त्म ना हो। बाकी इनका बाज़ार बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत बाज़ार है इनका। अंतालिया अगर आप तुर्की आते हैं ना तो आप अंतालिया लाजमी आए और गलेची में रुके। हाँ, और गलेची गड़ा, गलेची कलेजी नहीं हुए, कलेजी में रुके आप, खैर जो भी है। और दूसरी बात ये कि अभी हम वैसे यहाँ पे लग रहा है जैसे अभी दिन चढ़ा हुआ है, सूरज ग्रूब हो चुका है वो आप देखें, और अभी 5-10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे बाज़ार, थोड़ा सा फिरेंगे, इधर उधर देखेंगे और फिर खाना खाएंगे। खा लिया तो फिर याद आया ये नहायत ही इकोनॉमिकल प्लेटर था, इसमें दो तरह के सैलड थे, चिप्स थी प्रॉपर, ये भी मैं आज ही खा गया, और एक लंबा रैप था, और ये 9 लीरा का था, मतलब हार्डली 200-210 रुपये पाकिस्तानी। तो हमने फैसला किया है कि एक चीज़ अभी हम और खाएंगे। अंतालिया में 2 दिन गुजारने के बाद अब मेरी वापसी इस्तांबुल है, जहां मैं अभी आपको आया सोफिया ग्लाटा टावर की कहानी सुनाऊंगा, तुर्की की सबसे मशहूर मस्जिद ब्लू मॉस्क दिखाऊंगा, और हम शॉपिंग करेंगे दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े शॉपिंग मॉल ग्रैंड बाज़ार से, और खाएंगे तुर्की के मशहूर मज़ेदार खाने। मेरे साथ रहें और कमेंट्स में मुझे बताएं ग्रिप ऑन ट्रिप की यह डिस्कवर टर्की सीरीज़ आपके फ्यूचर ट्रिप प्लान में कितना फ़ायदा देगी। इस्तांबुल के बारे में मैंने अपने हल्का अहबाब में 3-4 लोगों से बात की है जो यहाँ पे रेगुलर जाते हैं। उनमें से सबसे डिफरेंट बात मुझे सुनने को मिली मेरे एक दोस्त हैं उनकी तरफ से कि अगर खुदा ना खास्ता किसी कपल की डाइवोर्स होने वाली है ना तो आप उनको एक हफ़्ते के लिए इस्तांबुल या टर्की भेज दें, तो जब वो वापस आएँगे ना तो उनका ये मामला हल हो चुका होगा, मतलब दोस्ती हो चुकी होगी। ये इतना खूबसूरत शहर है, वाकई इसको सिटी ऑफ लव कहते हैं। डिस्कवर टर्की के प्रोग्राम में आज मैं इस्तांबुल में पीरे लोती जाऊंगा। इस जगह को आप इस्तांबुल की छत कह सकते हैं। यहां से आपको गोल्डन हॉर्न का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है और साथ में किया जाएगा लंच प्रोग्राम।
इस्तांबुल शहर पैदल फिरने का अपना ही मज़ा है, और अगर आप इस शहर की असल खूबसूरती एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर जितना हो सके पैदल ही फिरें। इस्तांबुल में आवारागर्दी का आज नया रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। वैसे तो मैं शहर की काफ़ी जगह देख चुका हूं और बहुत से खाने खा चुका हूं, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो आज मैं जा रहा हूं अयूब सुल्तान के एरिया पीरेलोती, साथ में तुर्की के कुछ नए खाने खाएंगे और शाम गुजारेंगे गोल्डन हॉर्न पर। इस्तांबुल में शॉपिंग की सबसे अच्छी जगह एमिनोनो मार्केट है, और अगर आपको पैदल चलने का ज़्यादा मसला नहीं तो फिर आप होटल भी इधर ही लें, क्योंकि यहाँ से सुल्तान अहमद टैक्सिम स्क्वायर दोनों ही करीब हैं। अभी मैं सुल्तान अहमद के एरिया से वॉक करता हुआ एमिनोनो से गुजरूंगा और गोल्डन हॉर्न क्रॉस करके टैक्सिम स्क्वायर से अयूब सुल्तान की बस पकड़ूँगा। आप सी ऑफ मरमरा जाएं, गोल्डन हॉर्न क्रॉस करें या विज़िट करें बॉस्फोरस बे का, इस्तांबुल के सभी लोग आपको मछलियां पकड़ते नज़र आएंगे। वैसे मेट्रो कार्ड लाजमी बनवाएं, क्योंकि टैक्सी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। टैक्सिम स्क्वायर से हम लोग 26C बस पर बैठकर अयूब सुल्तान पहुंच गए हैं। पीले लोती का मुकाम यहीं पर है, लेकिन अभी हम बाज़ार में से घूमते हुए पहले खाना खाएँगे और फिर पीले लोती जाएँगे। सोलह में जब तैयब उर्दवान की हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई तो लोग फौज के खिलाफ निकल आए। एक बाबा जी थे, उन्होंने अपनी ये गाड़ी एक टैंक के नीचे दे दी, और ये उस वक्त बिल्कुल नई गाड़ी थी। तो लोगों ने बाद में उनसे पूछा कि आपने ये अपनी गाड़ी टैंक के नीचे क्यों दी है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा था कि मेरी तरफ से भी कोई रेजिस्टेंस जाए इस मकसद के लिए। तो चाहे इसका हो कुछ नहीं सका, लेकिन अब मेरा हिस्सा है उस बगावत को रोकने में। इस बात का तैयब उर्दवान को पता चला तो उन्होंने उस बाबा जी से मुलाकात की और उनकी इस कार को यहाँ पे फ्रेम अप करके रख दिया है, और पीछे उन्होंने टर्की जुबान में मैसेज दिया हुआ है कि हम तुम्हें नहीं भूले और तुम हमें ना भूलना। जो जिंदा कौमें होती हैं और वो इस तरह से रिगार्ड करती हैं अपने कामों का। और ये गाड़ी जो है अयूब सुल्तान के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ पर रखी गई है, और साथ में उसकी डेट, ईयर और सारी डिटेल दी गई है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार के बाहर लोग पाकिस्तान की तरह सारा दिन तबरक बांटते नज़र आते हैं। आपके मज़ार शरीफ पर मैं एक पहले से वीलॉग अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपके मज़ार शरीफ के सामने एक पूरी फूड स्ट्रीट मौजूद है, और मैं इसी मकसद के लिए इधर आया हूँ। ये देखें भाइयों का प्यार, पाकिस्तानी जब सुनते हैं तो वो हमें वाह 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 वाह। और हमने लिया है ये शोरबा, इसे बोलते हैं, इसमें एक दो दालें हैं और ये बहुत ज़्यादा पीते हैं, और ये इनकी दिन की है वैरायटी, रात को ये नहीं मिलता होटल से।
दो तीन दालें हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है ये, हम हर खाने के साथ खा रहे हैं, हमारे लिए डिफरेंट चीज़ है। साथ हमने लिया है बीन, ग्रेवी वाली बीन्स हैं वाइट, साथ में चावल, चावल को ये लोग पिलाफ कहते हैं, ये ज़रा मोटे होते हैं चावल, हमारे ज़रा सुपर बासमती कर्नल टाइप की नहीं है यहाँ पे। और बाकी ये बहुत खाते हैं ये लोग, इनकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो ऑलिव ऑयल में इन्होंने इसको नमक लगा के जस्ट जो है वो फ्राई किया होता है। ये वन स्प्राइट, इसमें ये बैंगन है, बैंगन को किया हुआ है, उसका जुकनी है ये थोड़ी, ये जुकनी है, और ये देखें हरी मिर्च और ये हल्की हल्की खट्टी और साथ ही गाजर, ये तीन चीज़ें हैं जी। चौथा मैं हूँ, पाँचवा मेरा कैमरा मैन है। सबसे पहले तो हम कोरमा ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। यार ये बड़ी कमाल की चीज़ है, इसमें गंदम भी है, इसमें वो जो तो पीली और लाल रंग की दाल होती है, नाम नहीं मुझे पता वो है, साथ में थोड़े थोड़े इन्होंने इसमें ज़ीरा भी डाला हुआ है, बाकी कुछ और भी होगा, मुझे जो जो चीज़ फील हो रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। पाकिस्तानी इंडियन जो लोग हैं, बांग्लादेशी, हम लोग तो दाल चावल खाते हैं, तो मैं तो लास्ट नाइट थोड़े से इसमें डाल के खा रहा था और रेस्टोरेंट मुझे देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको क्या बता, मैं बिल्कुल दाल चावल वाला टेस्ट। अगली बारी है जी, यार ब्रेड ये दूसरे भी दे रहे हैं, खैर यही ब्रेड है इसी को चलाते हैं। जैसे मैंने बताया ऑलिव ऑयल में इन्होंने सब्जियों को भुना हुआ है नमक लगा, सिंपल सादी तरीन इनकी रेसिपीज हैं और बहुत ही अच्छी हैं, हम काफ़ी खाना खा रहे हैं, प्योर जिसे कहते हैं ना हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट वाला सीन चल गया यहाँ पर। अगली बारी आ गई हमारी बीन्स की, बीन्स को भी हम दो तरह से खा सकते हैं, शोरबे वाले हैं, शोरबे वाली अक्सर चीज़ें हम चावलों पर डाल लेते हैं, इसका बिल्कुल देसी टेस्ट है, जैसे हमारे घरों में सालन बनता है वैसे ही है, आपको फिर पता ही होगा इसमें क्या डाला है। Which flavor is good? Turkish caramel, chocolate, strawberry, lemon, vanilla and strawberry vanilla. Okay. And zalalat program shuru hone laga ji. Okay. और फाइनली बड़ी ही मेहनत के बाद हमें आइसक्रीम मिल गई है, इनकी आइसक्रीम बड़ी हैवी है, चीज़ी है, यहाँ पर लोग खाते भी बहुत हैं। 5 लीरा की छोटी कौन है, 7 लीरा की मीडियम है और 10 लीरा की बड़ी कौन है, इसके अलावा कप भी है यहाँ पे, और ये इनके फ्लेवर हैं, ये दक्कन वाले सारे फ्लेवर हैं, वही फेमस जो होते हैं। ओके ब्रदर, यस, ओके, थैंक यू ब्रदर। अयूब सुल्तान मस्जिद के सामने ये जो मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी खाने की, डोनर कबाब की, कोफ्ते की, जो भी टर्किश डिलाइट्स हैं यहाँ पे। ये आप गली देख रहे हैं, ये पीछे ये सारा राइट लेफ्ट इसके कब्रिस्तान है और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं पेरेलोती व्यू पॉइंट की तरफ, और ये जो आप मेरे पीछे ये वाइट कलर का बड़ा सा हाउस देख रहे हैं, इसमें नलका लगा हुआ है, और इसके राइट लेफ्ट सारे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे, इनके शहजादे थे, इलियाए कराम थे, उन सब की खबरें, उनकी डिटेल और उनकी डेट ऑफ डेथ जो है वो सारी लिखी गई है।
खाने और आइसक्रीम के निज़ाम के बाद अब हम लोग ट्रैक करके पीरलोती जाएंगे। यहाँ पैदल भी जा सकते हैं और केबल कार के ज़रिए भी। पैदल जाने के लिए आपको कब्रिस्तान अयूब में से गुजरना पड़ता है। इस कब्रिस्तान में सल्तनत उस्मानिया से लेकर आज तक की अहम शख्सियात दफन हैं। अयूब सुल्तान जब आप आते हैं तो वहाँ से 10 से 15 मिनट की हाइकिंग पे कब्रिस्तान के अंदर से आपने गुजर के आना होता है। बड़ा प्यारा रास्ता बना हुआ है और पीरे लोती ऊपर एक जगह है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट हैं और इसके अलावा यहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म के घर बने हुए हैं, होटल भी हैं, आप यहाँ पर रात भी रुक सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कैफेज़ हैं। लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं और साइट सीइंग कर रहे हैं। बस ये कि जब यहाँ से आप ऊपर पहुँचते हैं तो आपको शहर का टॉप व्यू नज़र आता है ब्रिज के साथ, वो एक अच्छा व्यू है। अगर आप बैठे यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे तो यू हैव अ गुड टाइम। अरे बह जाने चलो ओके। आप ये देखें कि इस्तांबुल सिटी में ट्रैम भी है जिसकी के मोर देन 100 ईयर हो गए उनसे, मेट्रो भी है और ट्रेन भी है, मेट्रो ट्रेन भी है, और चौथी चीज चेयर लिफ्ट रह जाती थी वो भी उन्होंने दे दी है। अयूब सुल्तान के स्टॉप से स्टार्ट होती है और ऊपर जो पीरे लोती का हम बात कर रहे हैं ये आपको सीधी वो लेके आती है। अगर आप हाइकिंग करना चाहते हैं जो कि हम करके आए हैं, हम 15 मिनट की हाइक है, सामने आपको अयूब सुल्तान मस्जिद नज़र आ रही है, वहाँ से लेके आपने यहाँ तक आना है। मेट्रो का स्टेशन भी वहीं से करीब है, यहाँ से आपका पूरा सिटी व्यू हो जाता है। सामने सुल्तान अहमद है और वो आया सोफिया की बिल्डिंग यहाँ से नज़र आ रही है, साथ में इसके राइट साइड पे सुलेमानिया मॉस्क ज़बरदस्त माशाल्लाह बेहतरीन है। और यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि वाकई ये शहर के दो हिस्से हैं, राइट वाला जो है वो ओल्ड सिटी है, लेफ्ट वाला जो है वो न्यू सिटी है। और यहाँ पे आपको जिद्दत नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ आपको ज़्यादातर तफसील की दीवार नज़र आ रही है, मस्जिद नज़र आ रही है और पुराने घर नज़र आ रहे हैं। पीरे लोती से अब हम पैदल वॉक जारी रखते हुए गोल्डन हॉर्न जाएंगे क्योंकि अब शाम होने को है और शाम का नज़ारा इस्तांबुल में रहते हुए समुंदर से बेहतर और कहीं नहीं मिलता। अभी का प्लान ये है कि यहाँ पे गलाटा टावर के पास एक जगह है अस्कराए, वहाँ पे ब्रिज बना हुआ है गोल्डन हॉर्न के ऊपर, तो वहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है और ब्रिज के ऊपर खड़े होके जैसे सारा इस्तांबुल ही मछलियाँ पकड़ता है, तो थोड़ी देर के लिए तो जाएंगे पहले उस पार्क में बैठेंगे और फिर मछली वालों के पास जाके चेक करेंगे, अगर उन्होंने कोई बड़ा दाना पकड़ा है, कोई रोश हो पकड़ी है तो सौदा मारने की कोशिश करते हैं। अभी शाम होने में 1.5-2 घंटे बाकी हैं तो शाम हम इंशाल्लाह आज गोल्डन हॉर्न पे ही करेंगे। इस्तांबुल के बारे में मैंने अपने हल्का अहबाब में 3-4 लोगों से बात की है जो यहाँ पे रेगुलर जाते हैं, उनमें से सबसे डिफरेंट बात मुझे सुनने को मिली मेरे एक दोस्त हैं उनकी तरफ से कि अगर खुदा ना खास्ता किसी कपल की डाइवोर्स होने वाली है ना तो आप उनको एक हफ़्ते के लिए इस्तांबुल या टर्की भेज दें, तो जब वो वापस आएंगे ना
तो उनका ये मामला हल हो चुका होगा, मतलब दोस्ती हो चुकी होगी। ये इतना खूबसूरत शहर है, वाकई इसको सिटी ऑफ लव कहते हैं, और ये है। सारा दिन गुजारने के बाद आप यहाँ पे जगह जगह पे पार्क्स बने हुए हैं, गोल्डन हॉर्न पे भी हैं और मरमरा पे भी हैं और बस फॉरेस्ट पे भी हैं। जहाँ पे आपका होटल करीब है आप शाम वहाँ पे गुजार सकते हैं, और वहाँ पे आप क्वालिटी टाइम आपको मिलता है। आप चाहे गैजेट्स को छोड़ दें, आप मोबाइल को छोड़ दें, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, आप मौसम को इन्जॉय करें और सनसेट अपना किसी साहिल पर करें, ये भी एक वर्थी एक्सपीरियंस है। होटल जाने से पहले इस्तकलास स्ट्रीट से ये रोस्टेड पोटैटो खाना तो बनता है, इसकी मैंने काफ़ी धूम सुनी है। बेसिकली इस रोस्टेड पोटैटो में चीज़ और मक्खन डालकर बहुत सारी सैलड आइटम्स ऐड की जाती हैं। कवर टर्की सीरीज में आजकल इस्तांबुल की वारागर्दी का निज़ाम ऑन है। इस सीरीज़ में हम 3 दिन इस्तांबुल में गुजार चुके हैं, जिसमें हमने तारीखी आया सोफिया मस्जिद, इस्तांबुल के करीब प्रिंसेस आइलैंड, दुनिया के सबसे पहले शॉपिंग मॉल ग्रैंड बाज़ार, बॉस्फोरस क्रूज़, तारीखी तकसीम स्क्वायर और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार शरीफ का विज़िट किया, और साथ साथ हमने खाए तुर्की के मशहूर खाने। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ गलाटा टावर, और आज के एपिसोड में हम करेंगे फेमस टर्किश ब्रेकफास्ट और एक्सप्लोर करेंगे गलाटा टावर का एरिया। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड और टर्की का सफर हमारा जारी है, और अभी भी मैं इस्तांबुल में फिर रहा हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ गलाटा टावर पे। ये टावर तकरीबन 550 साल पुराना है। वैसे तो ये 1300 साल पुराना है, लेकिन एक जंग में ये तबाह हो गया था। जो पीछे मेरे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये 550 साल पुरानी है। ये टावर उस वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, और अभी भी जब आप टर्की का कोई प्रोग्राम देखते हैं, कोई ऐड देखते हैं, कोई मॉडलिंग शूट देखते हैं, तो आप इस टावर को लाजमी देखते होंगे। ये इस्तांबुल की बहुत बढ़िया आइकॉनिक बिल्डिंग है। तो आज बदकिस्मती से इस पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। इसके ऊपर जाएं तो आपको पूरा बॉस्फोरस बे का, सी ऑफ मरमरा का और पूरी सिटी का आपको व्यू नज़र आता है। तो अभी पुलिस से भी बात करते हैं कि अगर वो हमें ड्रोन उड़ाने दें तो हम इसकी फ़्लाइट ले लें, जो कि मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इसका जो राइट लेफ्ट एरिया है, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के कैफेज बने हुए हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोड़े आए हुए हैं, कपल, वो वाले जोड़े नहीं। और ये जो पत्थर है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे दीवारों पे भी लिखी गई है। हम इस एरिया को एक्सर्ट करते हैं, ये गलाटा का ही एरिया है, इस एरिया को ही गलाटा कहते हैं गलाटा टावर की वजह से। और यहाँ पे छोटे छोटे कैफेज हैं, लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और गप्पे लगा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, तो आज का सफ़र थोड़ा सा ऊपर ना जाने की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन हम इस सारे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, मेरे साथ रहिएगा।
गलाटा टावर एरिया एक्सप्लोर करने से पहले नाश्ता करना ज़रूरी है, तो पहले तुर्की का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट करते हैं। आज मैं इनके कैफे पे आया हूँ, वेलवेट कैफे का नाम है गलाटा के पास। तो आज इनका एक प्लेटर है ट्रेडिशनल, जिसमें नाश्ते की तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। These are cheese. This one is olive oil. Olive oil. Yeah, this one is, we call it za'atar. It's a mixture of sesame and spices. Okay, different spices. Okay, done. Yes. Homemade jam. Jam, okay. Homemade peanut butter. Peanut butter, wow. This is a traditional jam, we call it tahina pekmez. Tahina? Tahina pekmez. Tahina, okay. Tahina is sesame oil, pekmez is grape jam. Okay, it's made from sesame oil, okay. Yes, just the same. Some butter. Butter. Honey. What is honey? Okay. Homemade tomato and copper paste mixture. Olives. Olives. Salad. Grapes. अभी ये प्लेटर हमारा कंप्लीट हो गया, साथ में ब्रेड भी थी, ब्राउन ब्रेड है और जो डोनट टाइप होता है, यहाँ पे रेडियों पे भी बड़ा बेचते हैं, इसके अंदर वो चॉकलेट और इस तरह की चीज़ें लगा के बेचते हैं, मक्खन भी लगाते हैं। ये डोनट है, थोड़ा हार्ड है और इसके ऊपर तिल लगे हैं। इन चीज़ों के साथ हमने इसको पाया तक मिल तक पहुँचाना है, और साथ ही एक स्वीट पाई भी दे के गए हम, इसमें भी चीज़ लगी हुई है। इसकी बड़ी टेम्पटिंग सी स्मेल है। हाँ सर, जाओ दूरों चक्कर ला के आओ तो जान जान करना इतना स्टार्ट करिए चलो जैम से कर। यार ये चीज़ बहुत खाती है, ये ब्रेड बड़ी आला है। हमने जो कल खाई थी ना वो जरा वाइट टाइप थी, ये बहुत आला है। स्वीट पोटैटो और साथ क्यूकम्बर है, साथ ग्रेप्स हैं। ये पेस्ट है टोमेटो की और लाल मिर्च की। इसमें दो तरह के हमारे पास ऑलिव्स हैं एज यूजुअल, और साथ ये इनकी सीसम ऑयल के साथ कुछ मिक्सिंग है। ये इनकी ट्रेडिशनल, ये जो आप ब्राउन कलर की देख रहे हैं, ये जैम आ गया, और ये इनके ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं। ये हनी आ गई, ये क्या था भाई ने बताया था, ये ऑलिव ऑयल है और ऑलिव ऑयल के साथ पता नहीं की। और ये है जी मक्खन, और ये है साथ हनी, ये हनी है, हाँ वो मक्खन था। तो बीच में दो तरह की चीज़ है और उसके ऊपर दो चेस्टनट पड़े हुए हैं। ऐ बाबा होने खा जो, तीन तरह के मक्खन है जी, तीन तरह की चीज़ है जी आपके पास। अब इनके नाम नहीं मुझे आते। नाश्ता ऑलमोस्ट वही है, लेकिन इसमें दो चार चीज़ें ज़्यादा हैं। उनके ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं, ये चीज़ नहीं थी। ये सीसम ऑयल से बनी हुई कोई एक चीज़ है, ये भी नहीं थी। सर टोमेटो पेस्ट के साथ स्पाइसेस हैं, ये भी नहीं थी। और ये भी इनकी ट्रेडिशनल चटनी है, ये भी नहीं थी। बाकी चीज़ें वही हैं, चार चीज़ें डिफरेंट हैं। और ग्रेप थोड़े दिए उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ना खाना। ये इनकी सीसम ऑयल के साथ किसी चीज़ की मिक्सिंग है, पता नहीं क्या है, लेकिन है बहुत मज़ेदार। एक चीज आती है, उन्होंने कहा था कि आपने ये तीन साथ हमारे डिफरेंट स्पाइसेस हैं, आप किसी भी चीज़ के साथ इसे ट्राई करें तो आप इसे पहले लगा लें। और टर्की स्टील जी जी है, प्लीज प्लीज। अब इसके साथ देखते हैं क्या निज़ाम बनता है इसका। हर चीज़ खाने से पहले आप इसको हल्का सा छिड़क भी सकते हैं, जी इस मुख से दी गई है। ये चीज़ कहीं करते हैं, आ रही है ज़रा डिफरेंट चीज़ लग रही है।
60 लीरा का ये नाश्ता है और जितनी इसमें वैरायटी है, जितनी अच्छी इनकी प्रेजेंटेशन है, जितना एम्बियांस है, ये बड़ा अच्छा पैकेज है, बेहतरीन है। स्पेस को यूटिलाइज़ करने की जो साइंस है ना, वो इन लोगों पे ख़त्म है। ये मेरे पीछे आप जो रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये एक छोटी सी शॉप है, बिल्कुल छोटी सी शॉप है, और ये इतना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने, इतना ज़बरदस्त, और बाहर से भी इनको इतना इन्होंने अच्छा किया हुआ है कि हम लोग अंदर नहीं बैठे, अभी मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, लेकिन हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। बड़े ही एस्थेटिकली ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं और आर्टिस्ट हैं सारे। मीनार की 10 मंजिलें हैं, जिसमें से लिफ्ट आपको 7वीं मंजिल तक लेके जाती है, अगली 3 मंजिलें आपने खुद से जाना होता है सीढ़ियों पे। तारीख में जो इंसान ने तजुर्बात किए हैं हवा में उड़ने के, उसमें से एक तजर्बा गलाटा के ब्रिज के भी किया गया। एक मुसलमान साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस ब्रिज से छलांग लगाई थी और 8 मील तक वो परों से उड़ते रहे थे, और वो पर आज भी इसकी 10वीं मंजिल पर सेफ करके रखे गए हैं। लेकिन बदकिस्मती वही है, इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आप देखें इसे कवर किया गया, तो आप ऊपर नहीं जा सकते, वरना मैं आपको वो पर भी दिखाता। और ऊपर एक बहुत अच्छा कैफ़े है, उसमें ऐसे है कि लास्ट ईयर मेरा यहाँ पे ट्रिप हुआ था, तो उसकी तस्वीरें मैं आपको शो कर देता हूँ, इसका इनसाइड इंटीरियर। जो ख़वातीन है वो नहायत ही मेहनत कश हैं। अब ये जो पीछे आप मेरे रेडी देख रहे हैं, ये एक आंटी ने लगाई हुई है, इसके पीछे वो एक 50+ एजिड खातून है जो कि हेयर बैंड इसके सेल कर रही है। हम जिस होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ का जो नाश्ता था, वहाँ पे 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 20 लोग हैं, उसका नाश्ता उनकी ऑनर खुद बनाती थी और उनके साथ कोई हेल्पर भी नहीं था। तो बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ी कॉन्फिडेंट है ये ख़वातीन। हमें भी अपनी ख़वातीन को इतना ही कॉन्फिडेंट करना है। मैं अपने शहर में जब लड़कियों को पाकिस्तान में बाइक चलाता देखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मोर पावर टू गर्ल्स, ये जो है होना चाहिए। और मुझे उन लोगों पे गुस्सा भी बड़ा चढ़ता है जो मुड़ मुड़ के उनको देखते हैं, इससे उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें और ख़वातीन को एतमाद दें और उनके साथ खड़े हों, उनको सपोर्ट करें। और टर्की में आके मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगी है कि यहाँ पर बड़ी सपोर्ट है औरतों को और वो इंडिपेंडेंट है। गलाटा टावर को अपनी पिक्चर में पूरा लेने के लिए लोग यहाँ पे बड़े टेढ़े मेढ़े एंगल लगाते हैं तस्वीर खींचने के लिए। इसमें आपकी कमर रह जाती है क्योंकि आप उसके बिल्कुल बेस के नीचे खड़े हुए हैं, अगर आप दूर जाएं तो आपके कैमरे में ये कमर आ सकता है। लोग यहाँ पे कैफ़े पे आ जाते हैं, यहाँ पे टर्किश टी लेके बैठ जाते हैं और पीते रहते हैं साथ साथ। और ये छोटा सा समझ लें कि कैफेटेरिया एरिया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैफेज़ हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से हम ऊपर नहीं जा सकते। हाई गलाटा के इर्द गिर्द जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप डिफरेंट स्ट्रीट से जाके अच्छा व्यू ले सकते हैं टावर का। सेल्फीज यहाँ लोग बहुत टेढ़े मेढ़े होकर लेते हैं, वो एक हमें बड़े मज़े की चीज़ लग रही थी। बहुत लोग कोशिश कर रहे थे कि पिक्चर और टावर सारे एडजस्ट हो जाए बीच में, तो हमने काफ़ी लोगों की पिक्चर्स भी खींची यहाँ पर। लेकिन जब हमने कहा कि आप हमारी पिक्चर ले लें, तो 3-4 लोगों ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है।
तो बहरहाल फाइनली वी हैड वन। गलाटा का विजिट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने एग्जर्शन किया, काफ़ी गलियों में एक्सप्लोर किया है। यहाँ पे बहुत प्यारी गिफ्ट शॉप है, छोटे छोटे गिफ्ट आपको 5 लीरा से लेकर और आगे जितना आपका बजट हो आप ले सकते हैं। सुवेनियर्स हैं बहुत ज़्यादा और बड़े ही प्यारे रेस्टोरेंट हैं। हवा यहाँ पे वैसे ही सारा दिन चलती रहती है तो यहाँ पे एक बड़ा एक रोमांटिक सा माहौल रहता है। और अभी तो कंस्ट्रक्शन की वजह से हम ऊपर नहीं जा सके जैसे कि आपको बताया, और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें बताइएगा आपको इसकी हिस्ट्री और ये एरिया कैसा लगा और हमारा ये सफ़र कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। डिस्कवर टर्की सीरीज़ में इस्तांबुल की आवारागर्दी अभी जारी है, जिसमें अभी बहुत कुछ देखना और काफ़ी कुछ खाना बाकी है। डिस्कवर टर्की सीरीज़ में आज मैं खाने जा रहा हूँ इस्तांबुल के वो मशहूर कबाब जिनका पूरी दुनिया में चर्चा है। तुर्की में कबाबों की बहुत सी किस्में हैं जिनको बनाने के तरीके मुख्तलिफ और बहुत ही दिलचस्प हैं। आज के एपिसोड में सबसे पहले हम लोग सुल्तान अहमद के एरिया में मीट बॉल्स खाने जा रहे हैं। ये मीट बॉल्स इस्तांबुल की टॉप 5 ईटरीज़ में से एक हैं। ये 2 लीरा नहीं ले रहा यहाँ पे बैठ के, आप जो ऊपर पड़े हैं ऐसा नहीं है, वैसे भाई थक गए हैं। तो भूख मैंने खुद से ज़्यादा लगवाई है क्योंकि अब जो मैंने कबाब खाने आना वो मैं इसको बड़ी देर से इसको तारीफ़ें कर रहा हूँ कि भाई जब तक तुझे ख़ास भूख नहीं लगती तब तक हमने नहीं खाना खाना। तो अब अंतां दी भूख लग गई, तो यहाँ से कबाब मिलते हैं। लास्ट टाइम मैंने देखा था यहाँ पर लोगों ने लाइन लगाई हुई थी, लाइन में लग के आपको खाना मिल रहा था। तो आज हम इंशाल्लाह वहीं कबाब खाने जा रहे हैं। फाइनली ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है, क्योंकि 3 दिन से जिस कबाब की तलाश में हम थे और पाकिस्तान से जिस कबाब के बारे में व्हाट्सएप ने मुझे उकसाया, फाइनली आज हम यहाँ पे जी। आप देख सकते हैं कि ये अभी वैसे रश नहीं है यहाँ पे, लेकिन सुना है कि यहाँ के कबाब वर्ल्ड फेमस है। बिल्कुल फेमस हैं, आप ये खा के मुझे बताइएगा। और जिस सड़क पर हम खड़े हैं आप पीछे देख सकते हैं, ये पीछे आया सोफिया, आपको उसका डोम नज़र आ रहे हैं उसके साथ वाले मदरसे के, तो ये बिल्कुल वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 40-50 मीटर दूर है। क्या नाम? तो ये रेस्टोरेंट का नाम है कि ये नाम जी सुल्तान अहमद कोफ्तेशी। सुल्तान अहमद कोफ्तेशी, चलें आए देखते हैं। स्पीड है यार, मैं वो खा लेती हूँ। ये भाई आज जो हमें कबाब खिलाने वाले हैं, कबाब वुड बी डिलीशियस इंशाल्लाह, मेरी इज्जत रख लेना। थैंक यू, थैंक यू। ले जी, ये हैं हमारे लैम्ब शीश कबाब हैं, और ये हमारे द फेमस मीट बॉल्स हैं, और ये हमारा मेन्यू, और ये एक ज़रूरतमंद ये बीन सैलेड है। और शुरू में ऐसा लगता है कि जैसे ये बादाम हो, लेकिन ये वाइट बीन्स हैं जिनको कि उन्होंने बॉईल किया हुआ है। साथ में इसके सैलेड है, प्याज है, टमाटर है, और ये लीमू, लीमू इनके बहुत बड़े साइज़ के हैं। पाकिस्तान में भी ये मिलते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन यहाँ पे इसी साइज़ का लीमू चल रहा है। हाँ साहब, आप खा के बताएं, मैं तो खाता रहता हूँ। इन्होंने साथ चटनी दी है, वैसे तो ये देखने में आपको लाल लग रही है लेकिन ये इतनी होती नहीं है। ये कबाब के ऊपर हल्की सी मिर्चें लगी हुई हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये देखने में लाल है, ये इतनी कड़वी नहीं है, और इसके साथ आपको खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। इतने टेंडर कबाब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाए, सीरियसली। और इसके अंदर देखें वाकई कुछ भी नहीं है,
कोई मसाला, कोई प्याज कुछ भी नहीं आ रहा, ये कोई इनका इनको दुआ है किसी की। इंतजार ठीक करवाया आपसे? अगली बारी है जी हमारे ऑलिव ऑयल डालने का, पहले हल्का सा और विनीगर, ऐसे इनका विनीगर जो है ना वो ओरिजिनल है, और बोता पै गया परिवार ने काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। ये जो हरी मिर्च है ना, इसकी 6 लीटर की अलग प्लेट है, अगर आप एक्स्ट्रा खाते हैं तो ये हम मंगवाते होते हैं अक्सर। दो प्लेट आपकी और ये प्लेट मेरी, कमाल है, बेहतरीन निजाम बन गया है, बेहतरीन निजाम बन गया है। पीछे रशियन बच्चियाँ बैठी हुई हैं और लड्डू आया हमारा वेटर, और उसने उनको अपनी तरफ से जो है वो खाना भी खिलाया मीठा, और हमें उसने आगे आके कह के वो चलो मास्क पाओ, तो हमने कहा यार फिर रोटी खानी, कह रहे नहीं मास्क पाओ। तो देख लें यहाँ पे भी वुमेन कार्ड चल रहा है, लेकिन खाना भी चल रहा था। बेस्ट बेस्ट कबाब है, ये आपने लास्ट भी ट्राई कर लिया, इसका रास्ता भी मैंने आपको बता दिया। ऐसी कोई कमाल चीज़ है, ये नया जो सिंपल रेसिपी लग रही है, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं है, स्टिल इतना टेस्टी है और सही माउथ वॉटर है। एक प्लेट और आएगी अभी पक्की। वैसे मेरे ख्याल से इस्तांबुल के लोग दफ्तर या कारोबार से घर जाने से पहले समुंदर पर लाजमी हाज़िरी देते हैं, या घर में बैठे लोग शाम को समुंदर पर आ जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त समुंदर के किनारे जितने भी पार्क्स और बैठने के बेंचेस हैं सब फुल हो जाते हैं। खुराक की तलाश में जो अगली चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आपको पूरे तुर्की में नज़र आती है और हमारे मुल्क की तरह रेडियो पर बेची जाती है, जिसमें हेज़लनट और मकई का बुट्टा शामिल है। हेज़लनट प्रोटीन से भरपूर होता है और ये तुर्की में बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जबकि इसका जायका भी बहुत ही मज़े का होता है। ज़्यादातर तुर्की वाले इसको भूनकर खाते हैं। प्रिंसेस आइलैंड से वापसी पर जब मैं एमिनोनो के स्टॉप पर उतरा तो फेरी के स्टॉप पर यह रेडी नज़र आई, तो आइए चेक करते हैं हेज़लनट और सिट्टे का निज़ाम। इस रेडी का सेटअप बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप देख रहे हैं नीचे से आपको इन्होंने कोयले रखे हुए हैं, शायद आग लगाई हुई है, और इसी के ऊपर वो हेज़लनट को फ्राई भूनते हैं। ये चाय या टर्किश टी ये अपने लिए बना रहे हैं वो, और ये देखें ये जैसे हमारे तरफ पठानों की रेडी होती है, लेकिन ये उसकी कोई एडवांस शक्ल समझ लें, और इसी के ऊपर ये चाय बना बना के पी रहे हैं। ये टर्किश टी अपने लिए रखी हुई इन्होंने, और ये आगे देखने में ये अखरोट टाइप लगते हैं, ये देखें लगता है ऐसा जैसे अखरोट है, इसको उन्होंने भुना हुआ है। और अब अगला है हमारा सिट्टा। अच्छा इट्स जस्ट लाइक अ वॉलनट जैसे लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, नरम सी है, जैसे आप कोई क्या खा रहे हैं अखरोट को ही टेस्ट समझ लें, लेकिन बहुत नरम है, मुंह में जाके आपके ना हज़म हो जाती है, हज़म नहीं हो जाती, टूट जाती।
मैं सोच रहा था शायद ये थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन नहायत ही नरम है, बिल्कुल दांत लगे हैं और वो जैसे पानी बन गया। हनीकॉम्स होते हैं शायद, बेबी हनीकॉम्स होते हैं, ये उसका सिप है, बहुत ही नरम है। तो ये दो आइटम्स हैं, हेजल नट और ये कॉर्न, ये हम सिट्टा भी कहते हैं, भुट्टा भी कहते हैं अपने लैंग्वेज में। दो तरह के रखे हुए इन्होंने, एक तो ये उबाल के दे रहे हैं बॉयल, और दूसरा इन्होंने रोस्ट किया हुआ जस्ट लाइक हेजल नट। बट सबको इस टाइम सिर्फ खाने की टेंशन है, और खाने में भी सिर्फ लैम की टेंशन है। तेरे लिए ढूंढ रहा हूँ भाई, तुझे भूख लगी है। इस्तांबुल के दूसरे मशहूर तरीन कबाब शहजादा जे कबाब हैं, जो कि एमिनोनो स्टेशन के करीब ही वाक़िया है। ये कबाब अपनी नौयत के बहुत ही मुनफरिद और जायके में लाजवाब हैं। शहजादा जे कबाब इस्तांबुल में एक ख़ास निज़ाम रखते हैं, इसीलिए मैं तकसीम स्क्वायर को छोड़कर यहाँ खाना खाने आया हूँ। ऐसी कोई ज़बरदस्त रेसिपी है ना, ये दो मैंने मुफ्ते लगा ली हैं, कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने मुझे खिला दी हैं, और रश लगा हुआ है यहाँ पे काफ़ी। आप देख रहे हैं भाई कितने बिजी हैं, इस दुकान को हम बड़ी मुश्किल से ढूंढ के आए हैं। टॉप 10 जो ईटरीज हैं इस्तांबुल की, अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो उसमें ये भी आएगा, और ये एमिनोनो के इलाके में है। और ये देखें, लैम का तिक्का है और बीच में एक एक हल्की हल्की लेयर है चर्बी की। वैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री उससे खा भी लिया, और ये कमाल चीज़ है। और ये लोग पाकिस्तानियों से वैसे बड़ा प्यार करते हैं, वो भाई ने मुझे भी 8-10 शहरों के नाम बताया, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत बहुत मज़ा आता है। डिस्कवर टर्की सीरीज़ में मैंने टैक्सिम स्क्वायर के एपिसोड में ये कबाब खाए थे, और डिटेल से इस दुकान का रास्ता, कीमत, जायका सब कुछ बताया था। अगर आप चाहें तो ऊपर दिए गए इस लिंक पर क्लिक करके सारा एपिसोड देख सकते हैं। 28 लीरा का आपको दो टिक्के मिलते हैं, और साथ में दो रोटियां मिलती हैं, और सिर्फ नमक लगा हुआ है इसको। मैंने उनसे पूछा है, कह रहे हैं इसको नमक और सिरके की कोई इनकी रेसिपी है, और ऐसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं और रश लगा रहे हैं। ये टिक्का वाकई डिजर्व करता है कि ये टॉप 10 में आए। हमने इस्तांबुल की तकरीबन सारे खाने खा लिए हैं जो फेमस हैं, ये वाकई डिजर्व करता है, बल्कि ये टॉप 5 में बनता है आना, और ये हाईली रिकमेंडेड है। एमिनोनो का ये इलाका है, आप गूगल से इजीली आ सकते हैं, और स्टॉप से 700 मीटर दूर है यहाँ पे आप उतरते हैं मेट्रो से या फेरी से, वहाँ से 700-600 मीटर दूर होता है। और ये ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह। इस लस्सी की सबसे बुरी बात भला क्या है, बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। डिस्कवर टर्की सीरीज़ अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। जल्द ही एक मुकम्मल एपिसोड बनाऊंगा, जिसमें अपने 10 दिन के ट्रिप की सारी मालूमात आपसे एक दफ़ा शेयर करूंगा।